अप्लॉज फॉर हिम. हमारे साथ ऋषभ है. ऋषभ आजा भाई. ठीक है. वी हैव आचल. आचल प्लीज. एंड वी हैव डायना. कम ऑन. तो भाई लोग सच्ची में ये लोग हीरो है इस मूवी के. ठीक है. एंड वी हैव ऋषभ एंड वी हैव ऋषभ एंड वी हैव शिवम. शिवम एंड ऋषभ मेरे को एक बात बताओ. सिंस यू आर द ओल्डेस्ट ऑन द सेट्स एज द हीरोज. ठीक है. तो जब मूवी में काम कर रहे थे एंड यू वर वर्किंग विद सनी पाजी, सो हाउ वाज द एंटायर थिंग दैट वाज गोइंग ऑन? दिमाग में क्या चल रहा था यार? बिकॉज फुल 90s के एरिया से तुम लोग निकले हो. यू सीन सनी पाजी एंड देन यू वर्किंग विद हिम. तो कैसा था? वेल ऑनेस्टली आई हैव बीन अ फैन ऑफ सनी सर. लाइक ऑल द मूवीज आई हैव सीन इज लाइक दामिनी घाटक एवरी मूवी एंड आई एम अ फैन ऑफ घायल ऑल्सो. सो इट वाज अ प्लेजर लर्निंग फ्रॉम हिम फर्स्ट ऑफ ऑल. ओके. इट वाज अ ग्रेट एक्सपीरियंस. And Shivam, how was it with you? I mean, honestly, he's one of the most intense actors I've ever seen in my life. So to be directed by somebody as amazing as that, it was one hell of an experience. What else can you ask for as an actor? Awesome. And Achal, let's ask you a question. आपसे पूछते हैं. So entire working experience with these guys, with Diana and Sunny Sir, sets पे कैसा मजा आ रहा था? It was very friendly with all three of us. We've actually evolved as friends. With sir, yes, I used to always look up to him because जो sir intensity के साथ आपको बताते हैं, मतलब you really feel like doing it. कि सनी सर ने कर दिया, बस ऐसे ही कर दो. तो shot के बाद I would just look up to him कि हाँ sir, ठीक है, okay. Sir की approval. Yeah, but then sir ने बहुत अच्छे से explain किया and it was really nice, friendly. Awesome. And since it's Ghayal, once again हमको मालूम है कि इस movie में action होने वाला है. So action करते समय क्या था, पूरे दिमाग में क्या चल रहा था? दिमाग में वॉज लाइक ओ शिट, अभी हो जाएगा, अभी गिर जाएंगे. अभी वी हैड साइकिलिंग शॉट्स एंड मैं और शिवम कर रहे थे तो चोटें लग रही थी रियल के, वो दर्द आ रहा था बार बार. सनी सर को देखे, सनी सर वो स्माइलिंग, हाँ चल अच्छा हो गया. मेथड एक्टिंग सर, मेथड, गुड गुड स्टफ. सो सेट्स पे जब तुम्हारा जो मूवी जो है, ठीक है, एंड व्हेन इट गोज इट एडवांसेस, एक टाइम आता है जहां आप सनी सर को बुलाते हो. Okay, so sets pe in character when you were there, so how you used to address Sunny sir? Ki Ajay Mehra karke bulate the, Sunny Baji karke bulate the, Sunny sir karke bulate the. To ek bar character mein Sunny sir ko aawaz laga do to shayad wo podium pe aa jaye. Call Ajay sir. Hello, hello Ajay sir. Ajay sir jaldi aa jao, we need you so much. So we need you badly, so please. No, we need you so fast. And that's how Ajay Mehra came. सर एक सवाल आपसे भी. ऑल राइट. सवाल यही है सर कि बच्चों को पहली बार डायरेक्ट किया है, ठीक है, सो हाउ वाज दिस एंटायर थिंग दैट वाज गोइंग ऑन कि बच्चों को डायरेक्ट करना है, डराना नहीं है, तो वो पूरे दिमाग में क्या चल रहा था? ये फिल्म है जिसने मुझे काफी थका दिया है. एक्चुअली मुझे अभी पता चला ये फिल्म करते हुए कि मम्मी पापा मेरे साथ क्यों परेशान हो जाते थे. बट नहीं, इट वाज रियली फन. बच्चे, मैंने इनकी ऑडिशन की थी इसलिए मैंने इनको सेलेक्ट किया था एंड दे हैव लिव्ड अप टू देयर कैरेक्टर्स व्हिच इज देयर इन द फिल्म. और बहुत ही प्यारे बच्चे हैं. बस मैं इनको खासकर इन लड़कियों को कहता रहता था, मेकअप मत लगाओ बिकॉज ऑफ बच्चियाँ हैं. Otherwise, it has been a great journey. और ये पूरी फिल्म अभी मेरी ख़त्म हो गई है from creative point of view. और ये मेरी पूरी एक टीम थी जिसके साथ मैंने ये पूरी फिल्म ख़त्म की है. अब आगे मुझे एक और टीम चाहिए जो आप लोग हैं, बिकॉज़ ये टीम मुझे अभी आगे लेकर जाएगी ताकि मैं अपनी फिल्म को पर्दे पर लेकर जाऊँ, जनता तक पहुँचूँ और उनको आप वहाँ लेकर आएँगे. बाकी तो फिर मेरी फिल्म बोलेगी कि मैंने अच्छा काम किया या गंदा. Thank you very much. That's all I want from you all. So, sir, aap hi trailer ka unveiling kar dijiye. So, why don't you just ask the dada to play the trailer and then we can all watch it together. So, let me sit down. that's a good question, but... इसका बस यही कह सकता हूँ कि कोशिश जारी थी लेकिन हो नहीं पा रहा था और अब तैयार हूँ. वो उन्हीं को पता होगा. उनका ना कहना या हाँ कहने की बात नहीं थी, एक चीज़ जो हम कोशिश कर रहे थे वो बन नहीं पा रही थी जिसकी वजह से
I couldn't do it earlier on. But now, definitely, that's why I decided to direct once again, and I really loved it. I enjoyed it. क्योंकि अक्सर हम कहते हैं पार्ट टू या रिटर्न्स और दिस एंड दैट, बट मैं ये कहना चाह रहा था कि ये घायल जो 1990 में घायल थी वो आज फिर से वंस अगेन घायल है. क्यों है वो पिक्चर बताएगी. मैं एक्चुअली कहूँ सबसे टफ प्रोडक्शन होती है. नहीं एक्चुअली बात क्या, कुछ भी करो, कहाँ भी जाओ, जो भी करो, जब व्हेन यू आर सपोज टू बी द लीडर ओवर देयर बीइंग अ डायरेक्टर, दैट्स व्हाई, तो जिम्मेदारियाँ बहुत हो जाती हैं. और एज अ डायरेक्टर यू वांट योर विजन टू कम अक्रॉस राइट, तो उसके लिए फिर से प्रोडक्शन के ऊपर झगड़े होते हैं कि ये चाहिए क्यों नहीं हो रहा. And then again, coming back to the creative side, and then coming back to the actors, where actors ke upar jo mehnat karni padti hai, jaise directors mujh pe mehnat karte the, to usme kafi energy nikal jati hai. But maza aata hai kyunki because end of the day, jo hum bana rahe hain, wo nikal kar aa raha hai like an artist, like a painter, jo bhi kahe hum isse. Aur to be very honest, I'm really very happy. I'm really very happy with my film because जो मैंने सोचा था, जो मैंने चाहा था, वो मुझसे शायद बन गया है. शायद पता नहीं मैं क्यों बोल रहा हूँ, लेकिन बन गया है. एंड इसके बाद बस यही कह सकता हूँ कि इससे ज़्यादा और मैं नहीं कुछ कर सकता. सनी सर, रिलीज डेट बार बार बदली जा रही, क्या कारण है? आप इतने अच्छे टाइम पे आ रहे थे सेंटर में. हाँ नहीं, बदली नहीं जा रही है. वो क्या एक स्पेकुलेशन शुरू हो जाती है कि ये तारीख को आ रहे हैं, ये तारीख को आ रहे हैं. दैट इज़ अ नॉर्मल प्रैक्टिस इन आई इंडस्ट्री. डेफिनेटली मेरी कोशिश तो थी कि मैं जितनी जल्दी हो सके मैं आ जाऊँ. दिवाली वॉज अ गुड टाइम विच आई कुड रियली टारगेट. लेकिन देन अगेन यू नो, क्रिएटिव वर्क और कितनी चीज़ें करते करते जुड़ते जुड़ते बहुत वक्त लग जाता है, स्पेशली विद स्पेशल इफेक्ट्स. मैं नहीं चाह रहा कि मेरी फिल्म ऐसी मैं लगा दूँ, मैं देखूं अच्छी तरह से, एंजॉय करूं और फिर उसे रिलीज करूं. मैं चारों युवा एक्टर्स से भी जानना चाहूंगा कि जब आपको पता चला सनी देओल की फिल्म में आप काम करने वाले, कोई पर्टिकुलर डायलॉग है जो आपका पसंदीदा है और आप इनके सामने आज कहना चाहेंगे, क्योंकि इतने दिनों तक आप भीतर छुपा के रखे होंगे. चारों अपने अपने तरह से करके डायलॉग फ्रॉम द फिल्म, राइट? आई थिंक एवरीबॉडीज फेवरेट डायलॉग एंड स्पेशली सनी सर्स, अगर हम सच के साथ हैं तो जीतने तक हार नहीं मानेंगे. नहीं नहीं, बिल्कुल भी नहीं. As you can see from the poster, उस 2.5 kilo के हाथ का सहारा ले रहे हम, तो we were not scared of it, we were in love with it. Sunny sir, over here, towards you. First of all, congratulations, the trailer looks excellent. So my question is, you have roped in Hollywood action director Dan Bradley for the choreographing the action scenes, and even they look stunning on the screen. So could you say something about the action in the film? See, I had started my career with films like Betab, then Arjun, and then it followed on with that kind of cinema because I believed in that cinema. So then I decided, and I was thinking ke abhi main beech mein itni sari is tarah ki filmein ki hain, lekin I've lost my roots which I used to love doing. Aur that's usi tarah se main, usi reason se main director bana is film mein wapas. And definitely action is very important, and aaj main dekh raha hu, jisse bhi dekh raha hu, wo उस तरह का एक्शन कर रहा है जो मैं बहुत बार कर चुका हूँ. एक को मारो तो 10 आदमी उड़ के वहाँ यहाँ से वहाँ जाते हैं, उंगली के इशारे से भी चले जाते हैं, यू नो. सो वो सब बहुत हो गया, तो मैंने कहा नहीं, आई मीन वो मैंने ही कहीं गलती से शुरू कर दिया, मुझे बंद करना होगा. और सो जितने भी हमारे यहाँ एक्शन कोऑर्डिनेटर्स हैं सब अच्छे हैं, लेकिन दे हैव ऑल लॉस्ट दी कि हम अभी एक्शन क्या करना क्या चाहते हैं. एवरीबडी इज ट्राइंग टू बी लाउडर एंड लाउडर. तो इसीलिए मुझे देन आई हंटेड अराउंड, और मुझे डैन ब्रैडली अच्छे लगे क्योंकि उनकी जो फिल्में उन्होंने की है, जब मैं उनके साथ काम किया, इट वाज अ ग्रेट प्लेजर बिकॉज ही इज़ जेन्युइनली रियली अ क्रिएटिव
guy, and this film, because of him and because of our concept together, we've been able to bring out reality as much as possible. And so, you know, since this is in a realistic space, will there be a music? What sort of music will be there in this film? I've got good songs, I would say. Basically, ek gana hai jo picturized kiya bachchon ke upar, because it has to relate to the kids. So, mera gana hi usi tarah se hai, and I'm hoping that if it relates to kids, it'll relate to us also, because hum bhi bachche ek dafa the. So, filhal abhi mere paas is waqt hai nahi, but as time goes by, I'll be movie mein post karunga, then we'll have a thing for that also, because like I said, abhi aap meri team hai, to मुझे आप बताओगे क्या एक चीज़ पहले दूसरी चीज़ बाद में क्या कैसे किस चीज़ को लेकर आऊँगा एंड मैं आपकी सुनूंगा और आप मेरी सुनेंगे सनी जी ऑन योर सेंटर हियर कंग्रेचुलेशंस फॉर द ट्रेलर लुक्स ऑसम माय क्वेश्चन टू यू इज सर यू हैव फेस्ड मेनी डिफिकल्टी व्हाइल मेकिंग दिस फिल्म एंड व्हाइल यू नो स्क्रिप्टिंग द फिल्म व्हाट वाज द वन थिंग दैट केप्ट यू नो यू हैव टू मेक द घायल वंस अगेन अ सीक्वल ऑफ घायल व्हाट वाज द वन स्पिरिट दैट यू वांट टू नेम इट और यू वांट टू डिफाइन इट I think that's something what I am basically, you know, मैं एक चीज़ पर लग जाता हूँ फिर हटता नहीं हूँ आगे जाके नतीजा कुछ भी निकले लेकिन जब तक मैं उसे वहाँ तक ना पहुँचा दूँ तो मैं आई डोंट स्टॉप सो दैट इज़ समथिंग विच अच्छी है या बुरी चीज़ है वो मुझे नहीं मालूम लेकिन दैट्स समथिंग विच आई हैव ओके यंगस्टर्स के साथ आपने मतलब इनके साथ काम किया है डेब्यूटेंट्स के साथ आपने काम किया तो आपको कभी अपने अर्जुन के डेज आपको याद आते थे जब आप इनके साथ शूट करते थे या इनको डायरेक्ट करते थे हाँ डेफिनेटली बिकॉज आई हैव इसमें मैंने जो कैरेक्टर्स बच्चों के लिए हैं बिकॉज मैं चाह रहा था कि 17 साल के बच्चे हों और उनकी जो बिकॉज आज की दुनिया में जितने भी बच्चे हैं और जब हम भी थे तो वो एक उम्र होती है जहाँ एवरीथिंग इज़ ब्लैक एंड वाइट और ब्लैक एंड वाइट मीन्स लॉट्स ऑफ अर्जुन्स सो दैट्स व्हाट आई वाज लुकिंग फॉर बच्चों के बीच में दैट्स हाउ आई हैव दीस फोर किड्स विद मी सनी हियर लिपिका हाउ आर यू I'm fine, Lipika. Yeah, were you a strict director or a lenient director? Halla pande si tusi? Halla hula ta mainu na pata nahi because I look like as if I shout a lot and I scream a lot, but usse kya ho jata hai? Kaam kharab ho jata hai. So I was very patient. That's what I've understood doing films is to be as patient because then dimag kahin aur chala jata hai aur jo cheez karne ja rahe ho wo bhul jata hai aadmi. So I'm sure the kids will also agree with that. Yeah, obviously. He's very obviously. obviously. देखा? He was very sweet. कोई चिल्ला पुकार नहीं था. बहुत प्यारे थे. That's it. Sir is very calm. Like what you see on screen वैसे नहीं है वो like. अच्छा सनी. Totally opposite. Okay. सनी जी अपने बेटे को कब launch कर रहे हैं आप? हम दूसरे टॉपिक पे जा रहे हैं आई थिंक घायल वंस अगेन के बारे में रहे तो बेटर है तो मैं चाहता हूँ अपने बेटे के बारे में बात करूँ पर आज नहीं फिर मेरे को कोई नहीं देखता मुश्किल ये हो जाती है कि मैं जो दूसरों से करवाना चाहता हूँ वो खुद से करवाने में मुझे दिक्कत होती थी लेकिन मेरी जैसे कहा टीम बहुत अच्छी थी तो वो टीम के साथ मैं कर पाया जो करना चाह रहा था खबरें तो बहुत कुछ थी लेकिन वो है नहीं शी इज नॉट देयर इन दिस फिल्म ये चारों देखिए मैं ये कहना चाहूँगा कि ये फिल्म पहली वाली जो थी दैट वाज पोर्ट्रेड अजय मेहरा व्हेन ही वाज 25-27 जो उसकी उम्र थी उस वक्त एंड ही वाज अ यंगस्टर तो उस वक्त की जो उस सिचुएशन थी तो द फिल्म वाज मेड विद हिज प्रॉब्लम्स इन लाइफ हिज फैमिली और चीज़ें से बिछड़ रही हैं अब मैंने लिया कि आज 2015 में अजय मेहरा क्या कर रहा होगा सो डेफिनेटली आई बीन बेसिकली मैंने पूरी कोशिश रही है कि मैं इस फिल्म में 2015 को दिखाऊं और जो हम हैं आज और अगर अजय मेहरा है इस सोसाइटी में तो वो इस तरह से होगा चारों ही बच्चे लोगों से मैं पूछना चाहूंगी जो हैं यहाँ पर यंगस्टर्स ऐसा तो हो नहीं सकता कि एक डायरेक्टर जो है वो डायरेक्ट कर रहा और बहुत ही काम रहे कभी कोई सनी को गुस्सा आया हो और आप लोगों ने वो झेला और आप लोग डर गए हो क्योंकि सनी देओल की आवाज़ ही काफ़ी होती है नहीं somebody said कि सो बिल्कुल opposite hai he is very calm and he is very patient but I agree with you directors sometimes tend to lose their cool but sir ko pata tha that agar mujhe bachcho ke sath kaam karna hai I will have to have patience and
there's never been any ruckus or any hush-hush situation on the sets. He's always been cool and calm. The most important thing, sir, like the way he explained us everything was superb. So, unka jo direction, like hum log ko to, like lots of things we have learned from him. To be honest, it's a perfect way to start our career. मतलब आप लोगों का कहना है कि जानकर बड़ी शांति थी क्योंकि नहीं पता था कि मैं अगर जोर से आवाज भी करूँ तो आप लोग डर जाएंगे. No, वैसा नहीं है. गलत मत समझो. Honestly, it was very surprising क्योंकि वो पूरे सेट पे सबसे काम होते थे. And he was obviously being a director, he was the most passionate about the film. So for a person to be so passionate and still remain so calm, I mean, I was just learning from watching him be like that. Perfect. Sunny, आपसे सवाल करना चाहेंगे Sunny. पहली जो घायल देखी गई उस फिल्म में तमिल ड्रामा था, साथ ही रोमांस था, गाने बहुत अच्छे थे, एक्शन था. क्या इस फिल्म में भी वो सारी चीजें देखने को मिलेगी क्योंकि कहीं ना कहीं प्रोमोज में हमें वो रोमांटिक सीन्स नहीं नजर आया. जब वो होता तो मैं उसका रीमेक कर रहा होता ना. तो बिल्कुल. सो मैं रीमेक नहीं कर रहा हूँ. जैसे मैंने कहा कि मैं ये पकड़ रहा हूँ कि आज 2015 में अजय मेहरा क्या कर रहा होगा और क्या उसकी सिचुएशन होगी इन द सोसाइटी. सनी जी, आई जस्ट से कि मैं इतने सालों में आई बीन ऑब्जर्विंग यू, या फिर लोग कहेंगे कि आप इतने साल से इंडस्ट्री में हो बट देन यू आर द मोस्ट काम पर्सन आई फील, लाइक यू नो स्टिल वेरी डाउन टू अर्थ एज ए लाइक एज ए न्यू कमर हो. तो डेफिनेटली दैट कम्स रियली ऑन द स्क्रीन पर, मतलब आप टोटली डिफरेंट हो जाते हो. So I really don't feel like that. You might be a strict person, in fact. Like, you know, that's what I tried. I'm feeling. What have you to say about this thing? Like, what keeps you? Keeps me? I don't know. I really don't know. That's the way I am. I just basically, I love work, and I want to enjoy my work, and I want the work to be brought across the in a right way, or janta tak pahunchun, sab logon tak pahunchun. और बिकॉज नोइंग अनोइंगली जब से मैंने शुरू किया है, जो फिल्में की हैं वो लोगों के दिल में अभी तक हैं, क्योंकि उसमें कुछ सच्चाई थी, कुछ एक कैरेक्टर्स अच्छे थे, रियल थे. और मुझे उस वक्त नहीं पता था कि ये इतने लोग उसके बारे में कहेंगे या इतना सक्सेस होगा, मुझे कुछ नहीं पता था. सो दैट्स द वे आई हैव बीन एंड दैट्स द वे आई वांट टू कैरी ऑन बिकॉज that's what I love, and I'd rather do something what I love than do something what I am not. Okay. Sunny sir, yahan par film mein ek trailer mein ek scene hai jahan par local train aa rahi hai aur aapki car wahan se takrate hue ja rahi hai, to wo scene karne mein kitni difficulty hui thi aapko? Dekhiye kya, that's why we have call them, we have action, we have action coordinators, we have special effect guys. To wo sab difficulty hoti hai ki us sequence ko katne mein हमें कम से कम हफ्ते या 10 दिन लगे थे टू ऑर्गेनाइज इट एंड टू गेट इट टू दैट परफेक्शन, बिकॉज सब चीज़ें एक साथ की थी हम लोगों ने. एंड इवेंचुअली इज जस्ट वन शॉट एंड इट हैपेंड. ओके सर, और फ्यूचर में आपकी कोई अपनी फिल्म का दोबारा रीमेक, जैसे घायल को आप लेकर आए, और कोई और फिल्म को दोबारा पर्दे पर उतारना चाहेंगे अपनी फिल्मों में से? देखिए, इस फिल्म के ऊपर है, अगर ये फिल्म मुझे लगा कि मैंने जेन्युइनली आई कुड रीच आउट टू द पीपल एंड आई हैव जस्टिफाइड इट, then definitely I have got a lot of films jin mein characters bahut interesting the, so that will give me encouragement to bring them across, and aap logo bhi samajh mein aa jayega ki main sirf for the sake of it nahi karunga, as long as I can get the soul to it. Sunny sir, hello, congratulations for the promo, it's very like brilliant promo, and aapne bachcho ke sath kaam kiya jabki hamare yahan bahut kam log bachcho ke sath kaam karne ke liye ya youngster ya teenagers पर बेस ये है, सर भी हिला रहे हैं, बहुत कम फिल्में बनती हैं, आपको क्या वजह लगती है, क्यों लोग बचते हैं? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है. क्या आजकल वी आर ऑल बिकम वेरी कमर्शियल एंड हर चीज़ बेसिकली डिपेंड्स ऑन कितना पैसा आएगा, कितना बनेगा, उस हिसाब से चीज़ें बन रही हैं. कोई उस हिसाब से नहीं बन रही हैं कि मुझे ये कहानी पसंद है, आई वॉन्ट दिस टू बी मेड, बिकॉज वो ले कहानी पसंद उसे हो और लेकर जाएगी, उसने बनानी नहीं जब तक एक्स वाई जेड आर नॉट देयर इन इट, और फिर बाकी और चीज़ें ना हो, देन द स्टूडियो विल वांट डिफरेंट डिफरेंट थिंग्स टू बी एडेड ऑन टू इट. तो क्रिएटिविटी ख़त्म हो गई है, तो इसी वजह से बच्चों की फिल्में या कुछ इस तरह की फिल्में बहुत कम बनती हैं. लेकिन बट आई हैव नॉट बीन फॉलोइंग सिनेमा टू मच, बट देर हैव बीन लॉट ऑफ यंगस्टर फिल्म कमिंग आउट, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, आई एम श्योर देर हैव बीन लॉट्स ऑफ देम कमिंग आउट. और उसके अलावा भी हम बूढ़े होकर भी हम लोग फिर भी टीनेज फिल्म करते हैं. तो टीनेज तो कभी जाता नहीं है. सनी सर,
तस्वीरें लीक भी हुई थी जब बैक रोड पे आप शूट वगैरह कर रहे थे, तो उन चीजों को कैसे आप ले रहे थे, क्योंकि आपकी कई तस्वीरें लोखंडवाला बैक रोड से? अभी देखिए इसके बारे में हम कुछ कर नहीं सकते, बिकॉज कितना मैं कोशिश करूं, जैसे हम लोग गाड़ी में भी जा रहे होते हैं तो कोई ना तो कोई आ जाता है बाजू में और फोटो खींच लेता है, एंड कुछ नहीं कर सकते आप. तो दिस इज द सोसाइटी, दिस इज हाउ वी आर लिविंग टुडे, एंड यू हैव टू एक्सेप्ट इट एंड मूव अहेड विद इट, देन फाइट अबाउट इट एंड क्रिब अबाउट इट. एंड प्रमोशन पे आप किस तरीके से ध्यान देने वाले, मतलब एग्जैक्टली क्या होगा आपका? अभी आप मेरी टीम है, आप लोगों के साथ मैं बैठूंगा, कोशिश करूंगा क्या मुझे करना चाहिए और मैं वैसे ही लेके जाऊंगा, बिकॉज मैंने जेन्युइनली बहुत मेहनत की है इस फिल्म में, और मैं चाहूंगा कि वो मेहनत आजकल जनता को स्क्रीन पर लाने के लिए बहुत ज़रूरी है, और दैट इज़ नॉट क्रिएटिव बट We'll try and do some creative about it. सनी सर इधर. सनी सर जिस तरह का माहौल आजकल देश में चल रहा है, और आपने कहा कि आपकी जो फिल्म का लाइनअप है वो सिस्टम के खिलाफ है, तो आपको लगता है कि जो एक आम आदमी होता है वो आपके अंदर एक अक्स देखता है अपना, इसीलिए फिल्में आपकी पास्ट में चली और ये फिल्म भी उसी एक रीज़न होगा वो चलने का? इट्स बेसिकली जो मैंने कैरेक्टर्स प्ले किए हैं, दे हैव बीन बेसिकली उस तरह के कैरेक्टर्स रहे हैं, और ये फिल्म ये सिस्टम से कुछ लेन देन नहीं है, जस्ट बेसिकली टू डू विद अस आवरसेल्व्स. हम हर फैमिली, हर तरह की फैमिलीज होती हैं, सो मैंने इस फिल्म में अलग अलग तरह की फैमिलीज को पकड़ कर और सबका एक सोर पॉइंट पकड़ के फिर मैं आके लेकर गया हूँ. बेस्ट इज लेट द फिल्म रिलीज ना, फिर मैं मुझे भी पता चलेगा कि मैं पहुँच पाया आप लोगों तक या नहीं. पापा ने थोड़ी बहुत देखी है, पूरी नहीं देखी क्योंकि कम्प्लीटली रेडी भी नहीं अभी, और मैं दिखाना भी नहीं चाहूँगा टिल हैव ऑल माई स्पेशल इफेक्ट्स एंड एवरीथिंग रेडी, तब दिखाऊँगा. और आई एम श्योर पापा हैज ऑलवेज लव्ड व्हाटएवर आई हैव डन इवन इफ इट्स नॉट गुड. हाँ जी, देर इज सोहा इन दिस फिल्म, शी इज देयर, डेफिनेटली देयर, बट इट इज नॉट सी द ये कहानी. आप लोग बोल रहे कुछ इस तरह की कहानी क्यों नहीं बनाते, तो ये कहानी को अप्रिशिएट कीजिए जब आएगी, फिर मुझे पूछिएगा क्यों नहीं है और क्यों है और क्या है. सनी, डू यू नॉट लुक इनटू सम इनपुट्स फ्रॉम पापा? हैव यू गॉन अहेड एंड आस्क्ड हिम समथिंग? आई एम बोर्न इन दैट हाउस, सो फ्रॉम बर्थ ऑनवर्ड्स देयर हैज बीन लॉट ऑफ इनपुट्स कमिंग इन व्हिच वन डजंट हैव टू आस्क. आई हैव ग्रोन अप लाइक दैट. I'm full with inputs. Oh my god. Okay, guys, I think any more questions? The last question, anybody? I think that's a wrap. Thank you so much, bhaiya. First and all, happy Diwali to all of you all, and wish everybody all the best, all the viewers jo dekh rahe hain. And bas yehi keh raha hu ki for me Diwali is bringing my promo out, and then in Jan I'll see you all again. Thank you. Photo up, guys. Okay then, so let's have the man himself,
who has written, directed, and lived the life of Ajay Mehra once again, Mr. Sunny Deol. Woo! Okay, let's open the floor for question answers. Hello, everyone. So far, so good. जैसे आप लोगों से last time कहा था आप लोगों ने मेरा साथ देना फिलहाल अब तक तो आप लोगों ने मेरा साथ दिया है बस अब 5 फेब तक डटे रहिए फिर आगे पिक्चर करेगी जो उसने करना है उसे कुछ फर्क पड़ता है 15 को या 5 को आई डोंट थिंक रियली एक्चुअली हम तारीख तो देते हैं हमेशा लेकिन बिकॉज ऑफ टेक्निकल रीजंस कितनी बार हम लोग आगे पीछे रह जाते हैं कोशिश हमेशा एक्चुअली मैं अगली बार तो तारीख ही नहीं दूंगा जब तक मेरी टेक्निकली आई एम नॉट कम्प्लीटली क्लियर विद इट बिकॉज उसके बाद फिर ऐसी चीज़ों के बारे में बात करनी पड़ती है बट डेफिनेटली लेट देयर बी अ पॉजिटिवनेस टू इट एंड और तो कोई रीज़न नहीं है देयर इज़ नो अदर रीज़न ये नहीं मैं कह सकता कि आई डोंट नो मैं क्या कहूँ क्या इसके अलावा बस यही कि डेफिनेटली वी आर कमिंग ऑन 5th Feb एंड जो भी टेक्निकल हिचेस थे सब ठीक हो गए हैं एंड देयर वी आर Hi, Sunny sir, I'm from the Buzz Diary over here. Yeah. Ajay Mehra is back and we are loving it. So how reloaded is Ajay Mehra in Ghayal once again? Well, whatever you'll have seen, if you all feel he is reloaded, he is reloaded. Yeah. Definitely. Is there any other character of yours you want to have a sequel for? Well, because like I always say that this is my basic acid test. Ye picture lag jayegi, uske baad I will know actually ke सबको किस तरह से लगी और मुझे भी कॉन्फिडेंस मिल जाएगा या मैं फिर से जाके कहीं बैठ जाऊंगा कि फिल्म में बनाऊं और फिर डेफिनेटली देयर इज लॉट ऑफ थिंग्स व्हिच आर देयर इन माय माइंड बट तब बात करेंगे नहीं हम लोग ट्रेलर दूसरा भी डालने वाले थे पहले बट वी वर सपोज टू ब्रिंग इट आउट समवेयर इन द फर्स्ट वीक सेकंड एंड थर्ड को हम लोगों ने आई वाज हैविंग अ गोना हैव अ प्रेस कॉन्फ्रेंस आई वाज सपोज टू डू एवरीथिंग बट टेक्निकली लाइक मैं बोल रहा हूँ मेरी चीज़ें रेडी नहीं थी सो वी हेल्प बैक एंड देन डेफिनेटली इट्स 2 हफ्ते पहले ही चीज़ आए उसके पहले आई हुई ऑलरेडी और गाना भी एज अ मैटर ऑफ फैक्ट ये डिले से हमें फ़ायदा इस चीज़ का हुआ डेफिनेटली एक अवेयरनेस बढ़ गई दूसरा मेरा जो गाना था लपक छपक हैज कॉटन विद यंगस्टर्स जो मुझे कहा जाता है तो मैं मानता हूँ वेल क्या कहें अभी बिकॉज बहुत चीज़ें कही जाती हैं देयर इज नो डेफिनेट रूल्स एंड रेगुलेशन इफ यू आस्क मी बिकॉज कभी मैं तो आई एम अ बिलीवर कि कुछ भी मैं दिखाऊँ बट जिस तरह से आज हमारी जो हमारा माहौल जो चल रहा है वहाँ पर अक्सर बहुत चीज़ें दिखा देते हैं पर फिर भी मैंने काफ़ी कंट्रोल रखा है सनी सर देखिए जैसे इन्होंने कहा मत दिखाओ ज़्यादा तो आप क्यों सिनेमा में जाके देखो ना प्लीज़ सिनेमा में देखिए उसके बाद फिर आप लोग बताइए कि क्या है बिकॉज नहीं तो फिर जब सिनेमा में नहीं जाओगे तो टिकट नहीं खरीदेगा तो पिक्चर कैसे बनाऊंगा मैं हाँ जी तो पिक्चर के लिए क्या रह जाएगा आई थिंक मिशन ऑल इतना बहुत है बट इट्स वेरी नाइस अच्छा लग रहा है जो आप कह रहे हैं डेफिनेटली मैं चाहूँ तो ऐसे ही पिक्चर रिलीज कर दूँ कुछ भी ना करूँ बट इतनी मेहनत की है इतना कुछ किया है तो डेफिनेटली सिनेमा में जाके लोग देखें और फिर उसके बाद जो होना हो सो हो सनी सर द
this is Deepa. I'm from Biscuit Showtime Australia. A very warm welcome and congratulations on the movie. And we wish you all the good luck. हमें बताया गया है कि हॉलीवुड एक्शन कोऑर्डिनेटर डैन ब्रेडली हैज बीन हायर्ड फॉर द एक्शन सीक्वेंस आपके 2.5 किलो के हाथ पे हमारा दिल तो वैसे ही घायल था व्हाई सच अ चॉइस दैट्स सो स्वीट ऑफ यू आप लोग ऐसी ऐसी चीजें बोल के मुझे समझ में नहीं आता मैं क्या बोलूं बट डेफिनेटली मैं ये कहना चाहूंगा कि डैन ब्रेडली बिकॉज जैसे आप देख ही रहे हैं और जैसे मेरी पहली फिल्में भी थी उन्होंने मेरा इनिशियल एक्शन हमेशा अच्छा हुआ करता था स्क्रीन पे होता था एंड बिलीवेबल होता था तो दैट्स व्हाई आई नीडेड टू ब्रिंग इन डैन ब्रेडली बिकॉज उनकी जैसे ही इज फेमस फॉर द फिल्म्स जो आप सब देख ही चुके हैं बॉर्न अल्टीमेटम आइडेंटिटी और भी ढेर सारी सो एंड ही इज रियली डन अ ग्रेट जॉब एंड वी जेल्ड वेरी वेल वी वाइब्ड वेरी वेल एंड काफ़ी अच्छा है बट लेट्स सी ऑन द 5th ऑफ फेब आप लोग देखोगे एंड देन उसके बाद I will definitely meet you all and we'll have a chat and I hope it's an interesting one. Sunny sir, we have seen you in doing all sorts of action. Which was the most difficult one for you to just bring it out? We have seen the intense action. Any one particular scene which was very difficult for you to get in? You see, the difficulty is not the basic thing because like I do these things because for me it's a thrill, it's a basically adrenal thing. डिफ़िकल्टी आजकल तो थोड़ी सी भी हो जाती है बिकॉज बैक इतनी ज़्यादा तंग करती है कभी कभी तो डिफ़िकल्टीज हो जाती हैं बट जैसे होता है ना जिस चीज़ का आपको प्यार और शौक हो तो उस वक्त आदमी आगे ही बढ़ता है हाय कंग्रेचुलेशंस फॉर द ट्रेलर इट्स राइट हियर स्ट्रेट ऑन योर राइट हाय Congratulations for the trailer. It looks really, really amazing. Soha Ali Khan is also the part of the film, but off late, I think she's not been promoting the film, and today also she's not there. Can you tell us some specific reason why she's not there? There's no such specific reason. I would love to have everyone over here, but then, you know, nowadays everybody is so tied up with so many things. Sometimes we are available, sometimes our schedules upar niche ho jate hain. And on a particular day, they were available, then they are not available. So, ye chalta rehta, but there's no other definite reason beyond that. Sunny sir, yahan sir. 5th ko film release ho rahi hai. Last ka jo ek week hota hai, फिल्म को बहुत ज़्यादा प्रमोट करते हैं स्टार्स अपने रिलीज से पहले आपकी क्या स्ट्रैटेजी होगी किस तरह से प्रमोट करेंगे उस एक हफ्तों में यार कोई ऐसी स्ट्रैटेजीज तो नहीं है जो बाकी नहीं करते ऑब्वियसली मैं अभी शुरुआत आज से हुई है तो नाउ एवरी डे आई विल बी गोइंग डिफरेंट प्लेसेस एंड ट्राइंग टू डू व्हाटएवर आई कैन और लेट्स सी जो भी होगा आई मीन एवरी डे आई विल बी डूइंग समथिंग I'll be visiting the whole country as a matter of fact. So, जहाँ जा भी जाकर मैं कुछ कर सकूँ. No, definitely, definitely, my dad loves all of you all, and definitely, I mean, next time I'll definitely have him along with me. And he will 100% will be there. It's just वो चाहते हैं कि बेटा खुद जरा अपने आप को जरा आगे लेकर जाए तो उसी वजह से थोड़े से पीछे हैं नहीं तो पापा भी बॉबी हम सब इकट्ठे ही रहते हैं सनी सर एक सवाल कि क्या धर्म जी ने ये फिल्म देखी है और कैसी लगी उन्हें देखिए मेरी फिल्म पापा ने पूरी तो नहीं देखी है ही सीन बिट्स एंड पीसेस एंड उन्हें अच्छी लगी है एंड ही इज लाइक दैट डेफिनेटली ही हैव सम पॉइंट्स व्हिच आर creative points jo which there's no point me discussing right now because aap log jana chahoge lekin main nahi batana nahi chahunga but definitely that is something which we always hota hi hai na and but he is feeling very positive about it Sunny sir aapne jab first ghail the to aapne sirf acting ki thi is baar aapne writing bhi ki acting bhi ki direction bhi kiya तो सबसे बेस्ट पार्ट क्या लगा एक्टिंग डायरेक्टिंग या राइटिंग आई थिंक सब इकट्ठे हो जाते हैं बट डेफिनेटली एज अ राइटिंग एंड डायरेक्शन वाज समथिंग व्हिच वाज रियली ब्यूटीफुल आई एंजॉयड इट दिस टाइम बिकॉज इस बार मैं सोच समझ कर आया था कि मैंने ये करना है और क्यों करना है आई रीजन बिहाइंड इट सो आई एंजॉयड एवरी मोमेंट ऑफ इट एवरी बिट ऑफ इट डायरेक्टिंग पीपल इंटरेक्टिंग विद पीपल राइटिंग जो भी एक्सपीरियंस रहा है लाइफ का
putting it across, you know. So as a director, as a writer, that's what you can do. You can put it across. As an actor, you're just doing one character. Here, I'm trying to interact all different characters and try and justify them all. So it was fun. देखिए फ़र्क की बात नहीं है बिकॉज वी आर ग्रोइंग अलॉन्ग विद इट. ये नहीं मैं अचानक एक दिन इंडिया आ गया हूँ अभी तो सब चीज़ें अलग लग रही हैं. ऐसा नहीं है. वी हैव सीन इट ऑल एंड देन एज अ राइटर एंड डायरेक्टर आई एम बेसिकली ट्राइंग टू ब्रिंग इट अक्रॉस के मुझे आज की सोसाइटी को मैं कैसे समझता हूँ और मैं कैसे उसे दिखाना चाहता हूँ. तो मैं बोल तो काफ़ी कुछ रहा हूँ. आई होप ऑल दिस इज़ देयर इन द फिल्म. आप हैं ना यहाँ. यू आर पार्ट ऑफ मी ना. हेलो सर. दो हज़ार पंद्रह दो हज़ार चौदह मैं अपनी घायल में ही लगा हुआ था और 2016 की बिगनिंग में इसका देखना कि व्हाट काइंड ऑफ अ डिलीवरी आई हैव. एंड 2000 हाँ जी क्या बोल रहे हैं. डेफिनेटली मैं मेरी पूरी कोशिश है कि जो चीज़ें मैंने पहले की थी मैं सोच रहा कुछ और ऐसी या कुछ नई चीज़ें निकलें जैसे अब अगली बार को कि ऐसी पिक्चर होनी चाहिए. 2016 में फ़िलहाल तो अभी मैं अपने बेटे को लॉन्च करूँगा पर उसके बारे में ज़्यादा नहीं बोलूँगा. डायरेक्शन का डिसीजन सर आपने अजय मेहरा के साथ फुल जस्टिस के लिए लिया या फिर आगे डायरेक्शन कंटिन्यू करने का प्लान आपका कुछ. मैंने पता नहीं क्यों किया है लेकिन डेफिनेटली पिक्चर बनाने के लिए किया है. मैं एक्टर हूँ और इस फ्रेटर्निटी से इतने साले से हूँ और डेफिनेटली ये सब चीज़ें इसलिए की हैं क्योंकि दिल कर रहा था कुछ करने को अलग करने को तो पूरी कोशिश की है. हाय सनी आई एम पंकज फ्रॉम पन्ना सीवर. डू यू प्लान टू मेक घायल अ रेगुलर फ्रेंचाइज. Like I said, I mean, plans, it's very difficult to discuss plans because, you know, फिर बाद में आप लोग बोलोगे आपने तो ये बोला था अभी किया नहीं तो उसे भी डर लगता है. अंदर मैं जब चाहूँ तो मैं ढेर सारी चीज़ें बोल सकता हूँ लेकिन फिर बाद में यू ऑल विल क्वेश्चन मी फॉर दैट. बट फिलहाल लेट्स जस्ट सी के ये हमारी जो फिल्म है हाउ इट गोज एंड देन इट टेल्स वही आपको बताएगा कि अगला कदम क्या लेना है कैसे लेना है क्यों लेना है. And reports have just come in. Sorry, this is different from Ghayal, but reports have just come in that Amitabh Bachchan and Priyanka Chopra will be replacing Aamir Khan as Incredible India's brand ambassador. So, what do you have to say on that? I'm here just for Ghayal once again. kya maza aaya. बच्चों के साथ काम कर रहा था बड़ा मज़ा आया. दोनों मेरे बाजू में इस वक्त बाकी दो आए नहीं हैं आज. इट वॉज़ फन. लाइक आई सेड मज़ा ये आया कि आई हैड टू इंटरेक्ट विद सो मेनी डिफरेंट एक्टर्स एंड आई वॉज ट्राइंग टू ब्रिंग अक्रॉस इतने अलग अलग तरह के कैरेक्टर्स ओवर देयर और वो करने में और उनके साथ इंटरेक्ट करते करते आई वॉज डिस्कवरिंग कि मैं उनसे और क्या निकलवाना चाह रहा हूँ. दे वर डिस्कवरिंग के वॉट इज़ इन माई माइंड रिगार्डिंग दैट कैरेक्टर. तो इट इज़ It was a basically, I would say, kind of a creative high, basically. उसमें मज़ा आया. सनी सर ये मूवी जो है यूथ पे बेस्ड है तो आप आज के यूथ की जो सोच है उसको किस नज़रिए से देखते हैं. वो मेरी फिल्म बताएगी आपको कुछ. डेफिनेटली आई मीन उसके बारे में मैं ये नहीं कह सकता कि क्या नहीं है. देखिए कुछ ज़्यादा बदला नहीं है फ्रॉम द वे वी प्रोग्रेस इन आर डे टू डे रूटीन. इट इज़ जस्ट द बिकॉज हिस्ट्री होती है तो हमारे पास अवेयरनेस है. हम इतनी कुछ देख चुके हैं पर करते फिर भी हम वही चीज़ें हैं वैसी ही हरकतें हैं हमारी सब कुछ वही चलता है. इट्स जस्ट लाइक लॉज आर मेड टू बी ब्रोकन. सनी सर एक सवाल. सनी सर यहाँ हाँ सर आप 35 सालों से फिल्म इंडस्ट्री में 80s से काम कर रहे हैं. 80s के दौर से लेकर अब तक आप क्या देखते हैं कि एक्शन जिस तरह से शूट किया जाता था 80s 90s में और अब मॉडर्न टेक्निक्स आ गई हैं तो कितना फ़र्क आया है और आप पर्सनली क्या सोचते हैं इसके बारे में. डेफिनेटली क्रिएटिव एसेट्स बहुत बन गए आजकल टू हेल्प अस टू डू सर्टेन थिंग्स एंड स्पेशल इफेक्ट्स से लेके इवन फ्रॉम द हेल्प फॉर डूइंग एक्शंस बहुत सेफ हो रहा है विच इज़
the must we should be having that because when we were doing it us waqt kuch nahi tha bas kabhi main to zyada apni back hi todwai hai but aaj ke zamane mein I think there's all these things are really very very helpful and they make it simpler because end of the day parda hai par hum log jo kar rahe hain that is not reality we are like that but that is a character we are portraying to uske andar action mein bhi hame aisi cheeze karne ko easy ho jati hain special effect ke sath cheeze bahut easy ho jati hain because this is we come into this room into a dream world and we know it is not real but we want to get caught into it mujhe romance karte nahi dekhte means real life mein ya picture mein ha filmon mein har film mein romance to hota hi hai अलग अलग तरह का होता है बस यही कह सकते हैं पर हर फिल्म में रहा है कोई कौन सी फिल्म है जिसमें रोमांस नहीं था सब फिल्मों में होता है बट सिर्फ रोमांस नहीं होता पूरी कहानी होती है पूरी एक चीज़ होती है रिलेशंस होते हैं बाकी भी कैरेक्टर्स होते हैं सबका इंटरेक्शन होता है लाइक हाउ यू वुड बी खुद अपने परिवार के साथ हो गए तो बाकी चीज़ें भी झेलते हो सिवाय रोमांस के तंग तो चारों ने किया था एक को तो मैं क्रेडिट नहीं दे सकता नो देखो ऑल ऐसे तंग किसी ने नहीं किया किसी ने मुझे फिल्म में ऐसे मैं कोई तंग नहीं हुआ हूँ नहीं तो मेरी फिल्म में यहाँ पर मैं उसको सामने खड़ा कर देता आपके सामने इसने मुझे तंग किया प्लीज़ इसे सजा दीजिए सनी सर यहाँ पे कहाँ पे या बाहर से ऑफर नहीं होती ये अच्छा आंसर है बिकॉज थोड़ा मसालेदार है मीडिया से दूरियां कहाँ बनाई देखिए अभी आप लोग हैं आपसे मैंने उसके अलावा मैं कहीं ज़्यादा बाहर जाता नहीं हूँ सोशलाइजिंग नहीं करता जो करता होता डेफिनेटली आई वुड इंटरैक्ट एंड जैसे भी मैं कह रहा हूँ कि ये फिल्म के बाद मैं आई बी लॉन्चिंग माय सन तो आई विल बी इंटरैक्टिंग उसके बाद फिर और भी चीज़ें कर रहा हूँ तो ऑब्वियसली इंटरेक्शन रहेगा और आप देख भी रहे हैं मैं थोड़ा सा खुल भी गया हूँ तो मेरे को लगता है मैं करूँगा थोड़ा बहुत सनी सर फिल्म में बॉबी का या फिर धर्म जी का कोई कैमियो देखने मिलेगा हमें नहीं नॉट इन दिस फिल्म आई एम सॉरी बलवंत राय और फेवरेट विलन यार ऐसे फेवरेट तो कुछ होता नहीं है बट ऑब्वियसली एज ए अमरीश जी इज समथिंग विच इज forever and ever and ever so amrish ji will always be there sunny sir mera sawal aap se ye hai ki jaise abhi aapne bola ki aap apne bete ko launch karna chahte hain aur to kya hum future mein aapko aur dharam ji ko aur aapke bete ko ek sath screen pe dekh payenge why not zarur hum koi aisi script ho nahi nahi 100% script dekhiye har cheez script ke upar hoti hai otherwise hum log koshish karte hain lekin जब तक कहानी नहीं सबको अच्छी लगे तो उसका होना बड़ा मुश्किल हो जाता है बट ज़रूर क्यों नहीं मैं तो खुद चाहूँगा बिकॉज इट बिकम्स इट विल बी सो ब्यूटीफुल ओके इफ नॉट यमला पगला दीवाना देन अपने टाइप ऑफ फिल्म नो वी विल डू दैट वी आई मीन करेक्शन तो करनी पड़ती है ना लाइफ में मैं देखिए किसी चीज़ के लिए ना नहीं करता एज लॉन्ग एज इट इज़ क्रिएटिवली इंटरेस्टिंग डेफिनेटली आई विल डू इट बट आप लोग देखना चाहोगे मुझे बुरा मैं एकदम गंदा हो गया तो बहुत गंदा हो जाऊंगा देखिए टिप्स तो हम लोग कभी किसी को देते नहीं बट ये अच्छा लगता है बिकॉज हम लोग बोलते हैं कि टिप आई मीन बेसिकली क्या हम लोग ही इज़ ग्रोन अप विद इन द हाउस विद अस ऑल ऑफ अस सो डेफिनेटली ही इज़ ग्रोन अप नोइंग व्हाट हैज़ टू बी डन एंड नॉट टू बी डन एज अ फादर बेसिकली हम अपने बच्चों की पूरी कोशिश करते हैं कि जो भी वो करना चाहें वी आर देयर टू सपोर्ट देम वी आर देयर इज़ सॉलिड सपोर्ट टू देम एंड बट
मेरी हमेशा उनसे गाइडेंस रही है, डू व्हाट यू वांट टू डू, नॉट व्हाट आई वांट यू टू डू, बिकॉज आई डिड व्हाट आई वांटेड टू डू एंड दैट्स द वे लाइफ शुड बी. सनी सर, आई हैव अ क्वेश्चन फॉर यू सर, राइट हियर ऑन अ सर, इन अ टैब्लॉइड टुडे ओनली ऑन 6 पेज समथिंग वाज प्रिंटेड रिलेटेड टू योर फैमिली सर. And it was highlighted saying that ke Tanya Deval ordered not to touch family firm's investments. So anything would like to comment on that, sir? No, not really, because like how you also very sad. I'm also sad about hearing such a thing. Thank you, thank you. जैसे मैं एक बात कहनी है मैंने आप लोगों को, जैसे मैंने आपसे शुरू में किया था, please carry on, be my partner, help me till the 5th. और उसके बाद picture जैसी लगेगी फिर जो मर्जी लिखना. Yeah, I know that. I love you all. I love you all. सवाल तो अच्छा करिए ना, क्या सवाल करते रहते हो, वही सवाल वो मैं ऐसे ही फिर बोलता रहता हूँ. हाँ, मेरी घायल वंस अगेन आ रही है, इट्स कमिंग ऑन 5th Feb. और ऑब्वियसली गॉसिप पॉइंट ऑफ व्यू से लोग बोलते हैं आपकी पिक्चर शिफ्ट हो गई, तो उसके बारे में भी कुछ कहिए, तो मैं उसके बारे में भी कुछ कह देता हूँ. मैंने मेरी फिल्म को आई टेकन 2 ईयर्स, इस पर बहुत मेहनत की है पिक्चर पर, और मैं नहीं चाह रहा था कि क्योंकि मेरी पिक्चर जब तक मैं खुद उसे खुश ना हूँ तब तक रिलीज़ ना करूँ, इसी वजह से मैं इसे 5th Feb तक लेकर गया हूँ. और क्या पूछ सकते हैं आप लोग मुझसे? सर, हाँ, को लेकर कुछ एक्सपेक्टेशन? कोई एक्सपेक्टेशन
एक्सपेक्टेशन तो मुझे पता नहीं क्या है लोगों की, लेकिन मैंने अपनी फिल्म बनाई है इसी उम्मीद से कि जैसे मैंने अपनी पहली घायल बनाई थी, मुझे कहानी पसंद आई जिस पर मैंने काम किया, और फिर उसे बीइंग अ क्रिएटिव पर्सन तो हम अपनी क्रिएटिविटी को उसमें रखते हुए और अपने एक्सपीरियंस को रखते हुए हम पूरा उस पर लगा रहा हूँ कि आज जो हमारी सोसाइटी में है 2015-2016 में, तो वो चीज़ों को मैं बाहर ला पाऊँ। जैसे वो घायल में भी आई रिफ्लेक्टेड द सोसाइटी 1990, तो इस वक्त भी मैं 2016 की सोसाइटी को रिफ्लेक्ट कर रहा हूँ। एंड बस यही कह सकता हूँ कि उस वक्त भी मुझे पता नहीं था लोगों को क्या पसंद आएगा नहीं आएगा, लेकिन मैंने अपनी पसंद की तो यहाँ पर भी मैंने वही किया है, और तब भी एक रिज़ल्ट बहुत अच्छा आया था। उम्मीद ये है कि इस बार भी रिज़ल्ट अच्छा है। जैसे कि एक यूथ बेस्ड फिल्म है, आपको देख के लग रहा है कि जैसे कि यूथ पे ये पूरी फिल्म बेस्ड है, तो यूथ के लिए कुछ मैसेज? जब पूरी फिल्म यूथ के ऊपर है तो डेफिनेटली पूरी फिल्म देखिए, हमारी जो सोसाइटी है ये सोसाइटी आगे प्रोग्रेस करती है, जो भी हम लोग करते हैं हम बच्चों के लिए करते हैं, दैट इज़ द यूथ ऑफ आस, और वो यूथ जिसे हम पालते हैं बनाते हैं तो एट अ सर्टेन एज तक वो उसे हम सब अच्छी अच्छी शिक्षा देते हैं, कहते हैं कि ज़िंदगी ऐसी है ये है, तो उस तरह से हम लोग बाहर निकलते हैं, और लोग जब बाहर आते हैं दुनिया के अंदर तो पता चलता है कि जो बताया गया उसमें से कुछ बातें सही थी कुछ थी नहीं, और इस तरह से जीना मेरे लिए भी मुश्किल रहेगा, तो वो अपनी ऑल्ट्रेशन करने लग जाते हैं जिससे हमारी सोसाइटी बदलती रहती है, एंड वी स्टार्ट इवॉल्विंग एंड वी स्टार्ट चेंजिंग एंड अडेप्टिंग टू द डिज़ायर्स ऑफ द यूथ विच इज़ कमिंग आउट एवरी ईयर, राइट? सो डेफिनेटली तो सिनेमा भी वो लोग ही ज़्यादा देखते हैं, सो इट्स बेस्ट टू हैव समथिंग विच इज़ वेरी रेलिवेंट टू देम जिससे वो आइडेंटिफाई कर सकें, और मेरी पूरी कोशिश रही है कि मैं अपनी फिल्म में आई ब्रिंग अक्रॉस थिंग्स जहाँ पर आपके पेरेंट्स हों, आप खुद हों, आपके बाकी भी रिश्तेदार हों, तो जब वो देखें तो उन्हें उसमें से कोई ना तो कोई कैरेक्टर में से उन्हें अपनापन दिखना चाहिए, उन्हें लगना चाहिए कि हाँ वाकई में हम कुछ इस तरह के हैं। देखिए उस वक्त जब मेरी फिल्म थी उस वक्त प्रमोशन के तरीके ये नहीं थे, अक्सर फिल्म हम लोग सिर्फ एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करते थे, पिक्चर दिखाते थे, उसके बाद फिर वी शुड सिट डाउन एंड टॉक विद द मीडिया। अब पिक्चर दिखाएं या ना दिखाएं उसके पहले ही हम शुरू हो जाते हैं, तो ऑब्वियसली हमारी जो रिक्वायरमेंट्स हैं आज की दुनिया में, आज की सोसाइटी में, दिस इज़ नॉर्मल थिंग नाउ, एंड नहीं तो लोगों को पता नहीं चलता कि इस नाम की कोई फिल्म आ रही है, तो वो सिर्फ उन्हें बताना, लेकिन उनका मैं ये इंटरव्यू देखे उनसे वो मेरे इंटरव्यू से वो पिक्चर देखने नहीं जाएंगे, उन्हें जब मुझे ट्रेलर पसंद आया हो या उन्हें लगता है कि सनी देओल की जो फिल्में हैं ये शायद कुछ अच्छा लाएगा तो हम देखने जाएं, तो कोई उनकी अपनी एक वजह बनती है, हम सिर्फ ये बताना चाह रहे हैं कि भाई हमारी फिल्म आ रही है। नहीं ऐसा कुछ नहीं है, दैट्स नथिंग एज अ फेवरेट, बिकॉज पूरी फिल्म मेरी एक 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 सब्जेक्ट है जिसे मैं प्रेजेंट कर रहा हूँ जो सोसाइटी को लेकर रहा, तो ऐसा कुछ एक नहीं कह सकता, बट डेफिनेटली सब कैरेक्टर्स बहुत ही आज की सोसाइटी में रेलेवेंट हैं, आप उन्हें पहचान पाएंगे, आप खुद को उसके अंदर पाएंगे किसी ना तो किसी कैरेक्टर में। ओके
Punjab. Wishing them all the best. Thank you. And wish them the best. And 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 the best. And
क्या कितना देखिए ये एक BCL पंजाब जो शुरू किया है एक यूनिसेक्स क्रिकेट है इट्स अ यूनिसेक्स क्रिकेट और पंजाबी क्रिकेट है तो पाजी इज द बिगेस्ट पंजाबी आइकन तो सो मेरी फिल्म भी लग रही है तो मैंने कहा क्यों नहीं इनका भी बिगनिंग हो रहा है और मेरा भी एक तरह से बिगनिंग ही हो रहा है मैं वापस आ रहा हूँ सो इट इज़ वंस अगेन हाइल वंस अगेन ये रीज़न था मैं अभी आप लोग देख ही रहे हैं मैं चारों तरफ घूम रहा हूँ अभी कोई कह नहीं सकता कि मैंने प्रमोशन नहीं की अपनी फिल्म के लिए कितने टाइम बाद क्रिकेट टाइम बहुत 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 वक्त हो गया कई साल हो गए स्कूल में था उसके बाद कभी कभार यहाँ वहाँ कभी खेली होगी बट नॉट मच मैं था क्या बोलते हैं एक प्लेयर जो बैट पकड़ लेता था बॉल आती थी मेरे को मालूम से मारना है मिस हो जाती थी आउट नहीं तो मैं मारता था और बॉलिंग भी वैसे ही करता था खड़ के जोर से मारता था यहाँ तो विकेट पे जाती थी यहाँ बाहर जाती बैट्समैन के पास जाती थी यहाँ आउट जाती थी जी सनी जी आई एम रियली ओबलाइज के पहले तो भाजी ने इतना टाइम निकाला और ही इज़ द बिगेस्ट पंजाबी आइकन और ये पंजाबी ग्लोबल लीग है जिसमें पंजाब का पूरा यूथ कनेक्ट होने वाला है तो जब मैंने घायल के ट्रेलर्स देखे तो मेरे को लगा कि ये बहुत स्ट्रॉन्ग यूथ कनेक्ट है एंड इट्स एग्जैक्टली वॉट वी आर डूइंग इट एक यूनिसेक्स क्रिकेट है एक यूथ सब इकट्ठे होंगे एक प्लेटफॉर्म पे एंड हैविंग अ पंजाबी गॉड विद अस इट्स माय प्रिविलेज आई एम रियली रियली ऑब्लाइज आई थिंक ही इज गोइंग लिटिल ओवरबोर्ड हां बस यही कहना चाहूंगा कि ये है का खेल है सारे नु एंटरटेन करने लिए नाले आप एंटरटेन होने लिए पर जब खेल खेल होता उस वेले तो फिर बंदा भूल जाता कि मैं खेल कि मैं एक्टिंग कर रहा हूं उस वेले बंदा फिर वाकई बड़ा औखा हो जाता है लड़ता है रोंदा है पिटता है तो मज़ा उदे च ही आता खेल च जितने ये सारिया चीज़ा ना हो गेम दे विच तो गेम का मज़ा ही नहीं है देखिए बॉबी ये काफ़ी सालों से कर रहा है एंड ही इन्जॉयज इट और वो काफ़ी ट्रेनिंग करता है एंड इज़ वेरी गुड सो हम लोग अक्सर कभी वर्कआउट कर रहे होते हैं तो हम लोग या बैडमिंटन या स्क्वाश खेल रहे होते हैं तो उस वक्त क्रिकेट की बात तो नहीं कर रहे होते लेकिन डेफिनेटली ये सब चीज़ें मैं एक तरह से एक स्पोर्ट्समैन हूँ मैं हर चीज़ खेलना चाहता हूँ और क्या बोल सकता हूँ मैं यही कह सकता हूँ कि BCL पंजाबी ये पंजाबी लीग है और जिस तरह से इन लोगों ने इन सब ने एक इसके बारे में जिस तरह से इसे ऑर्गेनाइज़ किया है वाकई में ही एक तरीका है जो हम लोग इतना कभी सोच भी नहीं सकते कि हम रबर बॉल के साथ लीग शुरू करेंगे नहीं लड़ना झगड़ा तो खेलते खेलते हो जाता है ना कभी जब बैडमिंटन खेल तो शटल बाहर चली गई आउट एन एन आउट नो आउट आउट एन और फिर गुस्से में कोई छोड़ के चला जाता है फिर वापस आता है तो दैट्स व्हाट स्पोर्ट्स इज ऑल अबाउट एंड दैट्स व्हाई आई लव स्पोर्ट्स मैं क्यों करूँ ऐसी ऐसी आप तो आप लोग बगैर पिटाई के कुछ और नहीं सोचते क्या क्यों नहीं सपोर्ट करूंगा ये आप लोग बदलते रहते हो मैं नहीं बदलता वो मैं एक फिल्म बना रहा था उसके बाद जब से मैंने 2-3 साल हो गए जब से मैं कह रहा हूँ ये वंस अगेन है पर फिर भी आप लोग क्या आप लोगों को मज़ा नहीं आता जब तक कॉन्ट्रोवर्सीज ना हो बोरिंग हो जाती है बात आप जैसे जाके सिनेमा में देखोगे तभी मज़ा आएगा ना नहीं तो फिर ऐसे कैसे मज़ा आएगा मैं आपको कहानी बता दूंगा फिर आप मेरी पिक्चर ही नहीं देखोगे तो फिर आप मेरे पूरे पैसे मुझे दे दीजिए मैं आपको पूरी कहानी सुना हमारे साथ ऋषभ है ऋषभ आजा भाई ठीक है We have Achal. Achal, please. And we have Dana. Come on. तो भाई लोग सच्ची में ये लोग हीरो है इस मूवी के ठीक है
And we have Rishabh and we have Rishabh and we have Shivam. Shivam and Rishabh, meko ek baat batao. Since you are the oldest on the sets as the heroes, theek hai? To jab movie mein kaam kar rahe the and you were working with Sunny Paji. So how was the entire thing that was going on? Dimag mein kya chal raha tha yaar? Because full 90s ke area se tum log nikle ho. You've seen Sunny Paji and then you're working with him. To kaisa tha? Well, honestly, I've been a fan of Sunny sir. Like. All the movies I've seen is like Damini Ghatak, every movie, and I'm a fan of Ghayal also. So it was a pleasure learning from him first of okay. all. Okay. It was a great experience. And Shivam, how was it with you? Honestly, he's one of the most intense actors I've ever seen in my life. So to be directed by somebody as amazing as that, it was one hell of an experience. What else can you ask for as an actor? Awesome. And Achal, let's ask you a question. आपसे पूछते हैं. So entire working experience with these guys, with Diana and Sunny sir, sets pe kaisa maza aa raha tha? It was very friendly with all three of us. We've actually evolved as friends. With sir, yes, I used to always look up to him because jo sir intensity ke saath aapko batate hain, matlab you really feel like doing it. Ki Sunny sir ne kar diya, bas aise hi kar do. To short ke baad, I would just look up to him ki haan sir, theek hai, okay. Sir ki approval. Yeah, but then sir ne bahut acche se explain kiya and it was really nice, friendly. Awesome. And since it's Ghayal, once again, humko malum hai ki is movie mein action hone wala hai. So action karte samay kya tha, pure dimag mein kya chal raha tha? पूरे दिमाग में वॉज लाइक ओ शिट अभी अभी हो जाएगा अभी गिर जाएंगे अभी वी हैड साइकिलिंग शॉट्स एंड मैं और शिवम कर रहे थे तो चोटें लग रही थी रियल के वो दर्द आ रहा था बार बार सनी सर को देख के सनी सर वो स्माइलिंग हाँ चल अच्छा हो गया मेथड एक्टिंग सर मेथड गुड स्टफ सो सेट्स पे जब तुम्हारा जो मूवी जो है ठीक है एंड व्हेन इट गोज इट एडवांसेस एक टाइम आता है जहां आप सनी सर को बुलाते हो ओके सो सेट्स पे इन कैरेक्टर व्हेन यू वर देयर सो हाउ यूज्ड टू एड्रेस सनी सर कि अजय मेहरा करके बुलाते थे सनी बाजी करके बुलाते थे सनी सर करके बुलाते तो एक बार कैरेक्टर में सनी सर को आवाज लगा दो तो शायद वो पोडियम पे आ जाए हेलो हेलो अजय सर अजय सर जल्दी आ जाओ वी नीड यू सो मच सो वी नीड यू बैडली सो प्लीज वी नीड यू कम फास्ट एंड दैट्स हाउ अजय मेहरा का सर एक सवाल आपसे भी ऑल राइट सवाल यही है सर कि बच्चों को पहली बार डायरेक्ट किया है ठीक है सो हाउ वाज दिस एंटायर थिंग दैट वाज गोइंग ऑन कि बच्चों को डायरेक्ट करना है डराना नहीं है तो वो पूरे दिमाग में क्या चल रहा था ये फिल्म है जिसने मुझे काफी थका दिया है एक्चुअली मुझे अभी पता चला ये फिल्म करते हुए कि मम्मी पापा मेरे साथ क्यों परेशान हो जाते थे बट नहीं इट वाज रियली फन बच्चे मैंने इनकी ऑडिशन की थी इसलिए मैंने इनको सेलेक्ट किया था एंड दे हैव लिव्ड अप टू देयर कैरेक्टर्स व्हिच इज देयर इन द फिल्म और बहुत ही प्यारे बच्चे हैं बस मैं इनको खासतौर इन लड़कियों को कहता रहता था मेकअप मत लगाओ बिकॉज ऑफ बच्चियाँ हैं Otherwise, it has been a great journey. और ये पूरी फिल्म अभी मेरी ख़त्म हो गई है from creative point of view. और ये मेरी पूरी एक टीम थी जिसके साथ मैंने ये पूरी फिल्म ख़त्म की है अब आगे मुझे एक और टीम चाहिए जो आप लोग हैं बिकॉज ये टीम मुझे अभी आगे लेकर जाएगी ताकि मैं अपनी फिल्म को पर्दे पर लेकर जाऊँ जनता तक पहुँचूँ और उनको आप वहाँ लेकर आएँगे बाकी तो फिर मेरी फिल्म बोलेगी कि मैंने अच्छा काम किया है या गंदा thank you very much that's all I want from you all so sir aap hi trailer ka unveiling kar dijiye so why don't you just ask the dada to play the trailer and then we can all watch it together so let me sit down that's a good question but इसका बस यही कह सकता हूँ कि कोशिश जारी थी लेकिन हो नहीं पा रहा था और अब तैयार हूँ वो उन्हीं को पता होगा उनका ना कहना या हाँ कहने की बात नहीं थी एक चीज़ जो हम कोशिश कर रहे थे वो बन नहीं पा रही थी जिसकी वजह से आई कुडंट डू इट अर्लियर ऑन बट नाउ डेफिनेटली दैट्स व्हाई आई डिसाइडेड टू डायरेक्ट वंस अगेन एंड And I really loved it. I enjoyed it.
क्योंकि अक्सर हम कहते हैं पार्ट टू या रिटर्न्स और दिस एंड दैट, बट मैं ये कहना चाह रहा था कि ये घायल जो 1990 में घायल थी वो आज फिर से वंस अगेन घायल है. क्यों है वो पिक्चर बताएगी. टफ काम क्या था आपके लिए? मैं एक्चुअली कहूँ सबसे टफ प्रोडक्शन होती है. नहीं एक्चुअली बात क्या, कुछ भी करो, कहाँ भी जाओ, जो भी करो, जब व्हेन यू आर सपोज टू बी द लीडर ओवर देयर बीइंग अ डायरेक्टर दैट्स व्हाई, तो जिम्मेदारियाँ बहुत हो जाती हैं. और एज अ डायरेक्टर यू वांट योर विजन टू कम अक्रॉस राइट, तो उसके लिए फिर से प्रोडक्शन के ऊपर झगड़े होते हैं कि ये चाहिए क्यों नहीं हो रहा. And then again coming back to the creative side and then coming back to the actors, where actors ke upar jo mehnat karni padti hai, jaise directors mujh pe mehnat karte the, to usme kafi energy nikal jati hai. But maza aata hai kyunki because end of the day jo hum bana rahe hain wo nikal kar aa raha hai like an artist, like a painter, jo bhi kahe hum ise. Aur to be very honest, I'm really very happy with my film, because जो मैंने सोचा था, जो मैंने चाहा था, वो मुझसे शायद बन गया है. शायद पता नहीं मैं क्यों बोल रहा हूँ, लेकिन बन गया है. एंड इसके बाद बस यही कह सकता हूँ कि इससे ज़्यादा और मैं नहीं कुछ कर सकता. सनी सर, रिलीज डेट बार बार बदली जा रही, क्या कारण है? आप इतने अच्छे टाइम पे आ रहे थे सेंटर में. हाँ, नहीं बदली नहीं जा रही है. वो क्या, एक स्पेकुलेशन शुरू हो जाती है कि ये तारीख को आ रहे हैं, ये तारीख को आ रहे हैं. दैट इज़ अ नॉर्मल प्रैक्टिस इन आई इंडस्ट्री. डेफिनेटली मेरी कोशिश तो थी कि मैं जितनी जल्दी हो सके मैं आ जाऊँ. दिवाली वॉज अ गुड टाइम विच आई कुड रियली टारगेट. लेकिन देन अगेन यू नो, क्रिएटिव वर्क और कितनी चीज़ें करते करते जुड़ते जुड़ते बहुत वक्त लग जाता है, स्पेशली विद स्पेशल इफेक्ट्स. मैं नहीं चाह रहा कि मेरी फिल्म ऐसी मैं लगा दूँ, मैं देखूं अच्छी तरह से, एंजॉय करूं और फिर उसे रिलीज करूं. मैं चारों युवा एक्टर्स से भी जानना चाहूंगा कि जब आपको पता चला सनी देओल की फिल्म में आप काम करने वाले, कोई पर्टिकुलर डायलॉग है जो आपका पसंदीदा है और आप इनके सामने आज कहना चाहेंगे, क्योंकि इतने दिनों तक आप भीतर छुपा के रखे होंगे. चारों अपने अपने तरह से करके डायलॉग फ्रॉम द फिल्म, राइट? आई थिंक एवरीबॉडीज फेवरेट डायलॉग एंड स्पेशली सनी सर्स, अगर हम सच के साथ हैं तो जीतने तक हार नहीं मानेंगे. नहीं, नहीं, बिल्कुल भी नहीं. As you can see from the poster, उस 2.5 किलो के हाथ का सहारा ले रहे हम, तो we were not scared of it, we were in love with it. Sunny sir, over here, towards you. First of all, congratulations, the trailer looks excellent. Sir, my question is, you have roped in Hollywood action director Dan Bradley for the choreographing the action scenes, and even they look stunning on the screen. So could you say something about the action in the film? See, I had started my career with films like Betab, then Arjun, and then it followed on with that kind of cinema because I believed in that cinema. So then I decided, and I was thinking ki abhi main beech mein itni sari is tarah ki filmein ki hain, lekin I've lost my roots which I used to love doing. Aur that's usi tarah se main, usi reason se main director bana is film mein wapas. And definitely action is very important. And aaj main dekh raha hu, jisse bhi dekh raha hu, wo उस तरह का एक्शन कर रहा है जो मैं बहुत बार कर चुका हूँ. एक को मारो तो 10 आदमी उड़ के वहाँ यहाँ से वहाँ जाते हैं, उंगली के इशारे से भी चले जाते हैं, यू नो. सो वो सब बहुत हो गया. तो मैंने कहा नहीं, आई मीन वो मैंने ही कहीं गलती से शुरू कर दिया, मुझे बंद करना होगा. और सो जितने भी हमारे यहाँ एक्शन कोऑर्डिनेटर्स हैं सब अच्छे हैं, लेकिन दे हैव ऑल लॉस्ट दी कि हम अभी एक्शन क्या करना क्या चाहते हैं. एवरीबडी इज ट्राइंग टू बी लाउडर एंड लाउडर. तो इसीलिए मुझे देन आई हंटेड अराउंड और मुझे डैन ब्रैडली अच्छे लगे, क्योंकि उनकी जो फिल्में उन्होंने किया, जब मैं उनके साथ काम किया, इट वाज अ ग्रेट प्लेजर बिकॉज ही इज़ जेन्युइनली रियली अ क्रिएटिव गाय. एंड इस फिल्म में बिकॉज ऑफ हिम एंड बिकॉज ऑफ आवर कॉन्सेप्ट टुगेदर, वी हैव बीन एबल टू ब्रिंग आउट रियलिटी एज मच एज पॉसिबल. And so, you know, since this is in a realistic space, will there be a music, what sort of music will be there in this film?
I have got good songs, I would say. Basically, एक गाना है जो picturize किया बच्चों के ऊपर, because it has to relate to the kids. So मेरा गाना ही उसी तरह से है, and I'm hoping that if it relates to kids, it'll relate to us also, because हम भी बच्चे एक दफा थे. So फिलहाल अभी मेरे पास इस वक्त है नहीं यार, but as time goes by, I'll be वो मैं post करूँगा, then we'll have a thing for that also, because like I said, अभी आप मेरी team है तो मुझे आप बताओगे क्या एक चीज़ पहले दूसरी चीज़ बाद में, क्या कैसे किस चीज़ को लेकर आऊँगा, एंड मैं आपकी सुनूंगा और आप मेरी सुनेंगे. सनी जी ऑन योर सेंटर. सनी जी ऑन योर सेंटर हियर. कंग्रेचुलेशंस फॉर द ट्रेलर. ट्रेलर लुक्स ऑसम. माय क्वेश्चन टू यू इज, सर, यू हैव फेस्ड मेनी डिफिकल्टी व्हाइल मेकिंग दिस फिल्म एंड व्हाइल यू नो स्क्रिप्टिंग द फिल्म. व्हाट वाज द वन थिंग दैट केप्ट यू, यू नो, यू हैव टू मेक द घायल वंस अगेन, अ सीक्वल ऑफ घायल. व्हाट वाज द वन स्पिरिट दैट यू वांट टू नेम इट और यू वांट टू डिफाइन इट? I think that's something what I am basically, you know, मैं एक चीज़ पे लग जाता हूँ फिर हटता नहीं हूँ. आगे जाके नतीजा कुछ भी निकले, लेकिन जब तक मैं उसे वहाँ तक ना पहुँचा दूँ तो मैं I don't stop. So that is something which अच्छी है या बुरी चीज़ है वो मुझे नहीं मालूम, लेकिन that's something which I have. Okay, यंगस्टर्स के साथ आपने, मतलब इनके साथ काम किया, डेब्यूटेंट्स के साथ आपने काम किया, तो आपको कभी अपने अर्जुन के डेज आपको याद आते थे जब आप इनके साथ शूट करते थे या इनको डायरेक्ट करते थे? हाँ, डेफिनेटली, बिकॉज आई हैव, इसमें मैंने जो कैरेक्टर्स बच्चों के लिए हैं, बिकॉज मैं चाह रहा था कि 17 साल के बच्चे हों और उनकी जो, बिकॉज आज की दुनिया में जितने भी बच्चे हैं और जब हम भी थे, तो वो एक उम्र होती है जहाँ एवरीथिंग इज़ ब्लैक एंड वाइट, और ब्लैक एंड वाइट मीन्स लॉट्स ऑफ अर्जुन्स. सो दैट्स व्हाट आई वाज लुकिंग फॉर बच्चों के बीच में, एंड दैट्स हाउ आई हैव दीस फोर किड्स विद मी. सनी हियर. लिपिका, हाउ आर यू? I'm fine, Lipika. Yeah, were you a strict director or a lenient director? Halla pande se tusi? Halla hula ta mainu na pata nahi, because I look like as if I shout a lot and I scream a lot, but usse kya ho jata hai, kaam kharab ho jata hai. So I was very patient. That's what I've understood doing films, is to be as patient, because then dimag kahin aur chala jata hai, jo cheez karne ja rahe ho bhul jata hai aadmi. So I'm sure they, the kids will also agree with that. Yeah, obviously. He's very obviously. obviously. He was very sweet. कोई चिल्ला पुकार नहीं था. बहुत प्यारे थे. Sir is very calm. Like what you see on screen, वैसे नहीं है वो. Like अच्छा, totally opposite. Okay. सनी जी, अपने बेटे को कब लॉन्च कर रहे हैं आप? हम दूसरे टॉपिक पे जा रहे हैं. आई थिंक घायल वंस अगेन के बारे में रहे तो बेटर है. तो मैं चाहता हूँ अपने बेटे के बारे में बात करूं, पर आज नहीं, फिर मेरे को कोई नहीं देखता. मुश्किल ये हो जाती है कि मैं जो दूसरों से करवाना चाहता हूँ वो खुद से करवाने में मुझे दिक्कत होती थी, लेकिन मेरी, जैसे कहा, टीम बहुत अच्छी थी, तो वो टीम के साथ मैं कर पाया जो करना चाह रहा था. खबरें तो बहुत कुछ थी, लेकिन वो है नहीं, शी इज नॉट देयर इन दिस फिल्म. ये चारों, देखिए, मैं ये कहना चाहूँगा कि ये फिल्म पहली वाली जो थी, दैट वाज पोर्ट्रेड अजय मेहरा व्हेन ही वाज 25-27, जो उसकी उम्र थी उस वक्त, एंड ही वाज अ यंगस्टर, तो उस वक्त की जो उस सिचुएशन थी, तो द फिल्म वाज मेड विद हिज प्रॉब्लम्स इन लाइफ, हिज फैमिली, और चीज़ें से बिछड़ रही हैं. अब मैंने लिया कि आज 2015 में अजय मेहरा क्या कर रहा होगा. सो डेफिनेटली आई बीन बेसिकली, मैंने पूरी कोशिश रही है कि मैं इस फिल्म में 2015 को दिखाऊं, और जो हम हैं आज, और अगर अजय मेहरा है इस सोसाइटी में, तो वो इस तरह से होगा. चारों ये बच्चे लोगों से मैं पूछना चाहूँगी जो हैं यहाँ पर यंगस्टर्स. yeah, sure. ऐसा तो हो नहीं सकता कि एक डायरेक्टर जो है वो डायरेक्ट कर रहा और बहुत ही काम रहे, कभी कोई सनी को गुस्सा आया हो और आप लोगों ने वो झेला और आप लोग डर गए हो, क्योंकि सनी देओल की आवाज़ ही काफ़ी होती है. नहीं, somebody said कि सो बिल्कुल opposite hai. He is very calm and he is very patient, but I agree with you, directors sometimes tend to lose their cool, but sir ko pata tha that agar mujhe bachcho ke sath kaam karna hai, I will have to have patience, and there's never been any ruckus or any hush-hush situation on the sets. He's always been cool and calm. The most important thing, sir, ka, like the way he explained us everything was superb. So unka jo direction, like hum log ko to like
lots of things we have learned from him, to be honest. It's a perfect way to start our career. मतलब आप लोगों का कहना है कि जानकर बड़ी शांति थी क्योंकि नहीं पता था कि मैं अगर जोर से आवाज भी करूं तो आप लोग डर जाएंगे. No, वैसा नहीं है. गलत मत समझिए. Honestly, it was very surprising क्योंकि वो पूरे सेट पे सबसे काम होते थे. And he was obviously being the director, he was the most passionate about the film. So for a person to be so passionate and still remain so calm, I mean, I was just learning from watching him be like that. Perfect. Sunny, आपसे सवाल करना चाहेंगे Sunny. पहली जो घायल देखी गई उस फिल्म में तमिल ड्रामा था, साथ ही रोमांस था, गाने बहुत अच्छे थे, एक्शन था. क्या इस फिल्म में भी वो सारी चीजें देखने को मिलेगी क्योंकि कहीं ना कहीं प्रोमोज में हमें वो रोमांटिक सीन्स नहीं नजर आया. जब वो होता तो मैं उसका रीमेक कर रहा होता ना. बिल्कुल. सो मैं रीमेक नहीं कर रहा हूँ, जैसे मैंने कहा कि मैं ये पकड़ रहा हूँ कि आज 2015 में अजय मेहरा क्या कर रहा होगा, क्या उसकी सिचुएशन होगी इन द सोसाइटी. सनी जी, आई जस्ट से कि मैं इतने सालों में आई बीन ऑब्जर्विंग यू, या फिर लोग कहेंगे कि आप इतने साल से इंडस्ट्री में हो, बट देन यू आर द मोस्ट काम पर्सन आई फील, लाइक यू नो, स्टिल वेरी डाउन टू अर्थ एज ए लाइक एज ए न्यू कमर हो, तो डेफिनेटली दैट कम्स रियली ऑन द स्क्रीन पर, मतलब आप टोटली डिफरेंट हो जाते हो. So I really don't feel like that. You might be a strict person, in fact, like, you know, that's what I'm feeling. What have you to say about this thing? Like, what keeps you? What so keeps me? I don't know. I really don't know. That's the way I am. I just basically, I love work and I want to enjoy my work and I want the work to be brought across the, in a right way, or janta tak pahunchu, sab logo tak pahunchu. और बिकॉज नोइंग अनोइंगली जब से मैंने शुरू किया है, जो फिल्में की हैं वो लोगों के दिल में अभी तक हैं, क्योंकि उसमें कुछ सच्चाई थी, कुछ एक कैरेक्टर्स अच्छे थे, रियल थे. और मुझे उस वक्त नहीं पता था कि ये इतने लोग उसके बारे में कहेंगे या इतना सक्सेस होगा, मुझे कुछ नहीं पता था. सो दैट्स द वे आई हैव बीन एंड दैट्स द वे आई वांट टू कैरी ऑन, बिकॉज that's what I love and I'd rather do something what I love than do something what I am not. Okay, Sunny sir, yahan par film mein ek trailer mein ek scene hai jahan par local train aa rahi hai aur aapki car wahan se takrate hue ja rahi hai, to wo scene karne mein kitni difficulty hui thi aapko? Dekhiye kya, that's why we have action coordinators, we have special effect guys, to wo sab difficulty hoti hai ki us sequence ko katne mein हमें कम से कम हफ्ता या 10 दिन लगे थे टू ऑर्गेनाइज इट एंड टू गेट इट टू दैट परफेक्शन, बिकॉज सब चीज़ें एक साथ की थी हम लोगों ने, एंड इवेंचुअली इज जस्ट वन शॉट एंड इट हैपेंड. ओके सर, और फ्यूचर में आपकी कोई अपनी फिल्म का दोबारा रीमेक, जैसे घायल को आप लेकर आए, और कोई और फिल्म को दोबारा पर्दे पर उतारना चाहेंगे अपनी फिल्मों में से? देखिए, इस फिल्म के ऊपर है, अगर ये फिल्म मुझे लगा कि मैंने जेन्युइनली आई कुड रीच आउट टू द पीपल एंड आई हैव जस्टिफाइड इट, then definitely I have got a lot of films jin mein characters bahut interesting the, so that will give me encouragement to bring them across, and aap logo bhi samajh mein aa jayega ki main sirf for the sake of it nahi karunga, as long as I can get the soul to it. Sunny sir, hello, congratulations for the promo, it's very like brilliant promo, and aapne bachcho ke sath kaam kiya jabki hamare yahan bahut kam log bachcho ke sath kaam karne ke liye ya youngster ya teenagers पर बेस ये है, सर भी हिला रहे हैं, बहुत कम फिल्में बनती हैं, आपको क्या वजह लगती है, क्यों लोग बचते हैं? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, क्या आजकल वी आर ऑल बिकम वेरी कमर्शियल एंड हर चीज़ बेसिकली डिपेंड्स ऑन कितना पैसा आएगा, कितना बनेगा, उस हिसाब से चीज़ें बन रही हैं. कोई उस हिसाब से नहीं बन रही है कि मुझे ये कहानी पसंद है, आई वॉन्ट दिस टू बी मेड, बिकॉज वो कहानी पसंद उसे हो और लेकर जाया कि उसने बनानी नहीं, जब तक एक्स वाई जेड आर नॉट देयर इन इट, और फिर बाकी और चीज़ें ना हो, देन द स्टूडियो विल वांट डिफरेंट थिंग्स टू बी एडेड ऑन टू इट, तो क्रिएटिविटी ख़त्म हो गई है. तो इसी वजह से बच्चों की फिल्में या कुछ इस तरह की फिल्में बहुत कम बनती हैं. लेकिन बट आई हैव नॉट बीन फॉलोइंग सिनेमा टू मच, बट देर हैव बीन लॉट ऑफ यंगस्टर फिल्म्स कमिंग आउट, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, आई एम श्योर देर हैव बीन लॉट्स ऑफ देम कमिंग आउट. और उसके अलावा भी हम बूढ़े होकर भी हम लोग फिर भी टीनेज फिल्म करते हैं. तो टीनेज तो कभी जाता नहीं है. सनी सर, तस्वीरें लीक भी हुई थी जब बैक रोड पे आप शूट वगैरह कर रहे थे, तो उन चीजों को कैसे आप ले रहे थे, क्योंकि आपकी कई तस्वीरें लोखंडवाला बैक रोड से? अभी देखिए, इसके बारे में हम कुछ कर नहीं सकते, बिकॉज कितना मैं कोशिश करूं, जैसे हम लोग गाड़ी में भी जा रहे होते हैं तो कोई ना तो कोई आ जाता है बाजू में और फोटो खींच लेता है, एंड कुछ नहीं कर सकते आप.
So this is the society, this is how we are living today, and you have to accept it and move ahead with it, then fight about it and crib about it. And promotion pe aap kis tarike se dhyan dene wale, matlab exactly kya hoga aapka? Abhi aap meri team hai, aap logon ke sath main baithunga, koshish karunga kya mujhe karna chahiye aur main waise hi leke jaunga, because maine genuinely bahut mehnat ki hai is film mein, aur main chahunga ki wo mehnat aajkal janta ko screen pe lane ke liye bahut zaruri hai, aur that is not creative, but we'll try and do some creative about it. Sunny sir, idhar. Sunny sir, jis tarah ka mahol aajkal desh mein chal raha hai, aur aapne kaha ki aapki jo film ka lineup hai, wo system ke khilaf hai. To aapko lagta hai ki jo ek aam aadmi hota hai, wo aapke andar ek aks dekhta hai apna, isiliye filmein aapki past mein chali aur ye film bhi usi ek reason hoga wo chalne ka? It's basically jo maine characters play kiye hain, they have been basically us tarah ke characters rahe hain. Aur ये फिल्म ये सिस्टम से कुछ लेन देन नहीं है, जस्ट बेसिकली टू डू विद अस आवरसेल्व्स. हम हर फैमिली, हर तरह की फैमिलीज होती हैं. सो मैंने इस फिल्म में अलग अलग तरह की फैमिलीज को पकड़ कर और सबका एक सोर पॉइंट पकड़ के फिर मां के लेकर गया हूँ. बेस्ट इज लेट द फिल्म रिलीज ना, फिर मैं मुझे भी पता चलेगा कि मैं पहुँच पाया आप लोगों तक या नहीं. पापा ने थोड़ी बहुत देखी है, पूरी नहीं देखी क्योंकि कम्प्लीटली रेडी भी नहीं है अभी, और मैं दिखाना भी नहीं चाहूँगा टिल हैव ऑल माई स्पेशल इफेक्ट्स एंड एवरीथिंग रेडी, तब दिखाऊँगा. और आई एम श्योर पापा हैज़ ऑलवेज लव्ड व्हाटएवर आई हैव डन, इवन इफ इट्स नॉट गुड. हाँ जी, देर इज सोहा इन दिस फिल्म, शी इज़ देयर, डेफिनेटली देयर, बट इट इज़ नॉट सी द ये कहानी. आप लोग बोल रहे कुछ इस तरह की कहानी क्यों नहीं बनाते, तो ये कहानी को अप्रिशिएट कीजिए जब आएगी, फिर मुझे पूछिएगा क्यों नहीं है और क्यों है और क्या है. सनी, डू यू नॉट लुक इनटू सम इनपुट्स फ्रॉम पापा? हैव यू गॉन अहेड एंड आस्क्ड हिम समथिंग? आई एम बोर्न इन दैट हाउस, सो फ्रॉम बर्थ ऑनवर्ड्स देयर हैज बीन लॉट ऑफ इनपुट्स इन कमिंग इन व्हिच वन डजंट हैव टू आस्क. आई हैव ग्रोन अप लाइक दैट. I'm full with inputs. Oh my god. Okay guys, I think any more questions? The last question, anybody? I think that's a wrap. Thank you so much. Bhaiya. First and all, happy Diwali to all of you all, and wish everybody all the best, all the viewers jo dekh rahe hain. And bas yahi keh raha hu ki for me Diwali is bringing my promo out, and then in Jan I'll see you all again. Thank you. Photo up, guys. Okay then, so let's have the man himself who has written, directed and lived the life of Ajay Mehra once again, Mr. Sunny Deol. Woo! Okay, let's open the floor for question answers. Hello everyone. So far, so good.
जैसे आप लोगों से लास्ट टाइम कहा था आप लोगों ने मेरा साथ देना, फिलहाल अब तक तो आप लोगों ने मेरा साथ दिया है, बस अब 5 फेब तक डटे रहिए, फिर आगे पिक्चर करेगी जो उसने करना है। उसे कुछ फर्क पड़ता है 15 को या 5 को? आई डोंट थिंक रियली। एक्चुअली हम तारीख तो देते हैं हमेशा, लेकिन बिकॉज ऑफ टेक्निकल रीजंस कितनी बार हम लोग आगे पीछे रह जाते हैं। कोशिश हमेशा, एक्चुअली मैं अगली बार तो तारीख ही नहीं दूंगा जब तक मेरी टेक्निकली आई एम नॉट कम्प्लीटली क्लियर विद इट, बिकॉज उसके बाद फिर ऐसी चीज़ों के बारे में बात करनी पड़ती है। बट डेफिनेटली लेट देयर बी अ पॉजिटिवनेस टू इट, एंड और तो कोई रीज़न नहीं है, देयर इज नो अदर रीज़न। ये नहीं मैं कह सकता कि आई डोंट नो मैं क्या कहूँ क्या इसके अलावा, बस यही कि डेफिनेटली वी आर कमिंग ऑन 5th Feb एंड जो भी टेक्निकल हिचेस थे सब ठीक हो गए हैं एंड देयर वी आर। Hi, Sunny sir, I'm from the bus diary over here. Yeah. Ajay Mehra is back and we are loving it. So how reloaded is Ajay Mehra in Ghayal once again? Well, whatever you'll have seen, if you all feel he is reloaded, he is reloaded. Yeah. Definitely. Is there any other character of yours you want to have a sequel for? Well, because like I always say that this is my basic acid test. Ye picture lag jayegi, uske baad I will know actually ke सबको किस तरह से लगी और मुझे भी कॉन्फिडेंस मिल जाएगा या मैं फिर से जाके कहीं बैठ जाऊंगा कि फिल्म में बनाऊं। और फिर डेफिनेटली देयर इज लॉट ऑफ थिंग्स व्हिच आर देयर इन माय माइंड, बट तब बात करेंगे। नहीं, हम लोग ट्रेलर दूसरा भी डालने वाले थे पहले, बट वी वर सपोज टू ब्रिंग इट आउट समवेयर इन द फर्स्ट वीक। सेकंड एंड थर्ड को हम लोगों ने आई वाज हैविंग अ गोना हैव अ प्रेस कॉन्फ्रेंस, आई वाज सपोज टू डू एवरीथिंग, बट टेक्निकली लाइक मैं बोल रहा हूँ मेरी चीज़ें रेडी नहीं थी, सो वी हेल्ड बैक। एंड देन डेफिनेटली इट्स 2 हफ्ते पहले ही चीज़ आए, उसके पहले आई हुई ऑलरेडी, और गाना भी एज अ मैटर ऑफ फैक्ट ये डिले से हमें फ़ायदा इस चीज़ का हुआ, डेफिनेटली एक अवेयरनेस बढ़ गई। दूसरा मेरा जो गाना था लपक छपक हैज कॉटन विद यंगस्टर्स, जो मुझे कहा जाता है तो मैं मानता हूँ। वेल क्या कहें अभी, बिकॉज बहुत चीजें कही जाती हैं, देयर इज नो डेफिनेट रूल्स एंड रेगुलेशन इफ यू आस्क मी, बिकॉज कभी मैं तो आई एम अ बिलीवर कि कुछ भी मत दिखाऊं। बट जिस तरह से आज हमारी जो हमारा माहौल जो चल रहा है वहाँ पर अक्सर बहुत चीज़ें दिखा देते हैं, पर फिर भी मैंने काफ़ी कंट्रोल रखा है, काफ़ी कंट्रोल रखा है। सनी सर, देखिए जैसे इन्होंने कहा मत दिखाओ ज़्यादा, तो आप क्यों सिनेमा में जाके देखो ना, प्लीज़ सिनेमा में देखिए उसके बाद फिर आप लोग बताइए कि क्या है, बिकॉज नहीं तो फिर जब सिनेमा में नहीं जाओगे तो टिकट नहीं खरीदेगा, टिकट नहीं खरीदेगा तो पिक्चर कैसे बनाऊंगा मैं। हाँ जी, तो पिक्चर के लिए क्या रह जाएगा, आई थिंक मिशन ऑल इतना बहुत है, बट इट्स वेरी नाइस, अच्छा लग रहा है जो आप कह रहे हैं। डेफिनेटली मैं चाहूँ तो ऐसे ही पिक्चर रिलीज़ कर दूँ, कुछ भी ना करूँ, बट इतनी मेहनत की है, इतना कुछ किया है, तो डेफिनेटली सिनेमा में जाके लोग देखें और फिर उसके बाद जो होना हो सो हो। सनी सर, दिस इज दीपा, आई एम फ्रॉम बिस्किट शो टाइम ऑस्ट्रेलिया, अ वेरी वार्म वेलकम एंड कांग्रेचुलेशंस ऑन द मूवी एंड वी विश यू ऑल द गुड लक। हमें बताया गया है कि हॉलीवुड एक्शन कोऑर्डिनेटर डैन ब्रैडली हैज बीन हायर्ड फॉर द एक्शन सीक्वेंस। आपके 2.5 किलो के हाथ पे हमारा दिल तो वैसे ही घायल था, व्हाई सच अ चॉइस? दैट्स सो स्वीट ऑफ यू। आप लोग ऐसी ऐसी चीजें बोल के मुझे समझ में नहीं आता मैं क्या बोलूं।
But definitely, मैं ये कहना चाहूँगा कि Dan Bradley, because जैसे आप देख ही रहे हैं और जैसे मेरी पहली फिल्में भी थी, उन्होंने मेरा initial action हमेशा अच्छा हुआ करता था, screen play होता था and believable होता था. तो that's why I needed to bring in Dan Bradley, because उनकी जैसे he's famous for the films जो आप सब देख ही चुके हैं, Bourne Ultimatum, Identity और भी ढेर सारी. So and he's really done a great job and we gelled very well, we vibed very well and काफ़ी अच्छा है. But let's see on the 5th of Feb आप लोग देखोगे and then उसके बाद I will definitely meet you all and we'll have a chat. And I hope it's an interesting one. Sunny sir, we have seen you in doing all sorts of action. Which was the most difficult one for you to just bring it out? We have seen the intense action. Any one particular scene which was very difficult for you to get in? You see, the difficulty is not the basic thing, because like I do these things because for me it's a thrill. It's a basically adrenal thing. डिफ़िकल्टी आजकल तो थोड़ी सी भी हो जाती है, बिकॉज बैक इतनी देर तंग करती है कभी कभी, तो डिफ़िकल्टीज हो जाती हैं. बट जैसे होता है ना, जिस चीज़ का आपको प्यार और शौक हो तो उस वक्त आदमी आगे ही बढ़ता है. हाय, कंग्रेचुलेशंस फॉर द ट्रेलर. इट्स राइट हियर स्ट्रेट ऑन योर राइट. हाय, कंग्रेचुलेशंस फॉर द ट्रेलर. इट लुक्स रियली रियली अमेजिंग. सोहा अली खान इज ऑल्सो द पार्ट ऑफ द फिल्म, बट ऑफ लेट आई थिंक शी इज नॉट बीन प्रमोटिंग द फिल्म एंड टुडे ऑल्सो शी इज नॉट देयर. Can you tell us some specific reason why she's not there in the team? There's no such specific reason. I would love to have everyone over here, but then you know, nowadays everybody is so tied up with so many things. Sometimes we are available, sometimes our schedules upar niche ho jate hain, and on a particular day they were available, then they are not available. So ye chalta rehta, but there's no other definite reason beyond that. Sunny sir, yahan sir, 5th ko film release ho rahi hai. Last ka jo ek week hota hai, फिल्म को बहुत ज़्यादा प्रमोट करते हैं स्टार्स अपने रिलीज से पहले. आपकी क्या स्ट्रैटेजी होगी, किस तरह से प्रमोट करेंगे उस एक हफ्तों में? यार कोई ऐसी स्ट्रैटेजी तो नहीं है जो बाकी नहीं करते. ऑब्वियसली मैं अभी शुरुआत आज से हुई है, तो नाउ एवरी डे आई विल बी गोइंग डिफरेंट प्लेसेस एंड ट्राइंग टू डू व्हाटएवर आई कैन. और लेट्स सी जो भी होगा. आई मीन एवरी डे आई विल बी डूइंग समथिंग. I'll be visiting the whole country as a matter of fact. So, जहाँ जा भी जाकर मैं कुछ कर सकूँ. No, definitely, definitely, my dad loves all of you all, and definitely, I mean, next time I'll definitely have him along with me. And he will 100% will be there. It's just वो चाहते हैं कि बेटा खुद जरा अपने आप को जरा आगे लेकर जाए, तो उसी वजह से थोड़े से पीछे हैं. नहीं तो पापा भी बॉबी हम सब इकट्ठे ही रहते हैं. सनी सर एक सवाल कि क्या धर्म जी ने ये फिल्म देखी है और कैसी लगी उन्हें? देखिए मेरी फिल्म पापा ने पूरी तो नहीं देखी है. ही सीन बिट्स एंड पीसेस एंड उन्हें अच्छी लगी है एंड ही इज लाइक दैट. डेफिनेटली ही हैव सम पॉइंट्स व्हिच आर creative points jo which there's no point me discussing right now because aap log jana chahoge lekin main nahi batana nahi chahunga. But definitely that is something which we always hota hi hai na, and but he is feeling very positive about it. Sunny sir aapne jab first ghaal diye to aapne sirf acting ki thi, is baar aapne writing bhi ki, acting bhi ki, direction bhi kiya, so sabse best part kya laga, acting, directing ya writing? आई थिंक सब इकट्ठे हो जाते हैं, बट डेफिनेटली एज अ राइटिंग एंड डायरेक्शन वॉज समथिंग विच वॉज रियली ब्यूटिफुल. आई एन्जॉयड इट दिस टाइम बिकॉज इस बार मैं सोच समझ कर आया था कि मैंने ये करना है और क्यों करना है. रीजन बिहाइंड इट. सो आई एन्जॉयड एवरी मोमेंट ऑफ इट, एवरी बिट ऑफ इट. डायरेक्टिंग पीपल, इंटरेक्टिंग विद पीपल, राइटिंग, आई मीन जो भी एक्सपीरियंस रहा है लाइफ का, putting it across, you know. So as a director, as a writer, that's what you can do. You can put it across. As an actor, you're just doing one character. Here I'm trying to interact all different characters and try and justify them all. So it was fun. Okay.
देखिए फर्क की बात नहीं है बिकॉज वी आर ग्रोइंग अलॉन्ग विद इट. ये नहीं मैं अचानक एक दिन इंडिया आ गया हूँ अभी तो सब चीज़ें अलग लग रही हैं. ऐसा नहीं है. वी हैव सीन इट ऑल एंड देन एज अ राइटर एंड डायरेक्टर आई एम बेसिकली ट्राइंग टू ब्रिंग इट अक्रॉस के मुझे आज की सोसाइटी को मैं कैसे समझता हूँ और मैं कैसे उसे दिखाना चाहता हूँ. तो मैं बोल तो काफ़ी कुछ रहा हूँ. आई होप ऑल दिस इज देयर इन द फिल्म. आप हैं ना यहाँ. यू आर पार्ट ऑफ मी ना. हेलो सर. दो हज़ार पंद्रह दो हज़ार चौदह मैं अपनी घायल में ही लगा हुआ था और 2016 की बिगनिंग में इसका देखना कि व्हाट काइंड ऑफ अ डिलीवरी आई हैव एंड 2000. हाँ जी क्या बोल रहे हैं. डेफिनेटली मैं मेरी पूरी कोशिश है कि जो चीज़ें मैंने पहले की थी मैं सोच रहा हूँ कुछ और ऐसी या कुछ नई चीज़ें निकलें जैसे अब अगली बार को कि ऐसी पिक्चर होनी चाहिए. 2016 में फ़िलहाल तो अभी मैं अपने बेटे को लॉन्च करूँगा पर उसके बारे में ज़्यादा नहीं बोलूँगा. डायरेक्शन का डिसीजन सर आपने अजय मेहरा के साथ फुल जस्टिस के लिए लिया या फिर आगे डायरेक्शन कंटिन्यू करने का प्लान आपका कुछ. मैंने पता नहीं क्यों किया है लेकिन डेफिनेटली पिक्चर बनाने के लिए किया है. मैं एक्टर हूँ और इस फ्रेटर्निटी से इतने साले से हूँ और डेफिनेटली ये सब चीज़ें इसलिए की हैं क्योंकि दिल कर रहा था कुछ करने को अलग करने को तो पूरी कोशिश की है. हाय सनी आई एम पंकज फ्रॉम परना सीवर. डू यू प्लान टू मेक घायल अ रेगुलर फ्रेंचाइज. Like I said, I mean, plans, it's very difficult to discuss plans because, you know, फिर बाद में आप लोग बोलोगे आपने तो ये बोला था अभी किया नहीं तो उसे भी डर लगता है. अंदर मैं चाहूँ तो मैं ढेर सारी चीज़ें बोल सकता हूँ लेकिन फिर बाद में you all will question me for that. But फिलहाल let's just see के ये हमारी जो फिल्म है how it goes and then it tells, वही आपको बताएगा कि अगला कदम क्या लेना है, कैसे लेना है, क्यों लेना है. And reports have just come in. Sorry, this is different from Ghayal, but reports have just come in that Amitabh Bachchan and Priyanka Chopra will be replacing Aamir Khan as Incredible India's brand ambassador. So, what do you have to say on that? I'm here just for Ghayal once again. क्या मजा आया. बच्चों के साथ काम कर रहा था बड़ा मज़ा आया. दोनों मेरे बाजू में इस वक्त बाकी दो आए नहीं आज. इट वॉज फन. लाइक आई सेड मज़ा ये आया कि आई हैड टू इंटरेक्ट विद सो मेनी डिफरेंट एक्टर्स एंड आई वाज ट्राइंग टू ब्रिंग अक्रॉस इतने अलग अलग तरह के कैरेक्टर्स ओवर देयर और वो करने में और उनके साथ इंटरेक्ट करते करते आई वॉज डिस्कवरिंग कि मैं उनसे और क्या निकलवाना चाह रहा हूँ. दे वर डिस्कवरिंग के वॉट इज़ इन माई माइंड रिगार्डिंग दैट कैरेक्टर. तो इट इज़ It was a basically, I would say, kind of a creative high, basically. उसे मज़ा आया. सनी सर ये मूवी जो है यूथ पे बेस्ड है तो आप आज के यूथ की जो सोच है उसको किस नज़रिए से देखते हैं. वो मेरी फिल्म बताएगी आपको कुछ. Definitely. I mean, उसके बारे में मैं ये नहीं कह सकता कि क्या नहीं है. देखिए कुछ ज़्यादा बदला नहीं है फ्रॉम द वे वी प्रोग्रेस इन आर डे टू डे रूटीन. इट इज़ जस्ट बिकॉज हिस्ट्री होती है तो हमारे पास अवेयरनेस है. हम इतनी कुछ देख चुके हैं पर करते फिर भी हम वही चीज़ें हैं, वैसी ही हरकतें हैं हमारी, सब कुछ वही चलता है. इट्स जस्ट लाइक लॉज आर मेड टू बी ब्रोकन. सनी सर एक सवाल. सनी सर यहाँ कहाँ हाँ सर आप 35 सालों से फिल्म इंडस्ट्री में 80s से काम कर रहे हैं. 80s के दौर से लेकर अब तक आप क्या देखते हैं कि एक्शन जिस तरह से शूट किया जाता था 80s 90s में और अब मॉडर्न टेक्निक्स आ गई हैं तो कितना फ़र्क आया है और आप पर्सनली क्या सोचते हैं इसके बारे में. डेफिनेटली क्रिएटिव एसेट्स बहुत बन गए आजकल टू हेल्प अस टू डू सर्टेन थिंग्स एंड स्पेशल इफेक्ट्स से लेके इवन फ्रॉम दी हेल्प फॉर डूइंग एक्शंस बहुत सेफ हो रहा है विच इज़ the must we should be having that because when we were doing it uswa kuch nahi tha bas kabhi main to zyada apni back hi todwai hai
But aaj ke zamane mein, I think there's all these things are really very, very helpful and they make it simpler because end of the day, parda par hum log jo kar rahe hain, that is not reality, we are like that. But that is a character we are portraying. So uske andar action mein bhi hume aisi cheeze karne ko easy ho jati hain. Special effect ke saath cheeze bahut easy ho jati hain. Because this is, we come into this room, into a dream world. And we know it is not real, but we want to get caught into it. जो रोमांस करते नहीं देखते मींस रियल लाइफ में या पिक्चर में हाँ फिल्मों में हर फिल्म में रोमांस तो होता ही है अलग अलग तरह का होता है बस यही कह सकते हैं पर हर फिल्म में रहा है कोई कौन सी फिल्म है जिसमें रोमांस नहीं था सब सब फिल्मों में होता है बट सिर्फ रोमांस रोमांस नहीं होता पूरी कहानी होती है पूरी एक चीज़ होती है रिलेशंस होते हैं बाकी भी कैरेक्टर्स होते हैं सबका इंटरेक्शन होता है लाइक हाउ यू वुड बी खुद अपने परिवार के साथ होगे तो बाकी चीज़ें भी झेलते हो सिवाय रोमांस के तंग तो चारों ने किया था एक को तो मैं क्रेडिट नहीं दे सकता नो दे वो ऑल ऐसे तंग किसी ने नहीं किया किसी ने मुझे फिल्म में ऐसे मैं कोई तंग नहीं हुआ हूँ नहीं तो मेरी फिल्म में यहाँ पर मैं उसको सामने खड़ा कर देता आपके सामने इसने मुझे तंग किया प्लीज इसे सजा दीजिए सनी सर यहाँ पे कहाँ पे या बाहर से ऑफर नहीं होती ये अच्छा आंसर है बिकॉज थोड़ा मसालेदार है मीडिया से दूरियां कहाँ बनाई देखिए अभी आप लोग हैं आपसे मैंने उसके अलावा मैं कहीं ज़्यादा बाहर जाता नहीं हूँ सोशलाइजिंग नहीं करता जो करता होता डेफिनेटली आई वुड इंटरैक्ट एंड जैसे भी मैं कह रहा हूँ कि ये फिल्म के बाद मैं आई बी लॉन्चिंग माय सन तो आई विल बी इंटरैक्टिंग उसके बाद फिर और भी चीज़ें कर रहा हूँ तो ऑब्वियसली इंटरेक्शन रहेगा और आप देख भी रहे हैं मैं थोड़ा सा खुल भी गया हूँ तो मेरे को लगता है मैं करूँगा थोड़ा बहुत सनी सर फिल्म में बॉबी का या फिर धर्म जी का कोई कैमियो देखने मिलेगा हमें नहीं नॉट इन दिस फिल्म आई एम सॉरी बलवंत राय और फेवरेट विलन यार ऐसे फेवरेट तो कुछ होता नहीं है बट ऑब्वियसली एज ए अमरीश जी इज समथिंग विच इज फॉर एवर एंड एवर एंड एवर So, Amrish ji will always be there. Sunny sir, मेरा सवाल आपसे ये है कि जैसे अभी आपने बोला कि आप अपने बेटे को लॉन्च करना चाहते हैं और तो क्या हम फ्यूचर में आपको और धर्म जी को और आपके बेटे को एक साथ स्क्रीन पे देख पाएंगे Why not? जरूर हम कोई ऐसी स्क्रिप्ट हो नहीं नहीं 100% स्क्रिप्ट देखिए हर चीज़ स्क्रिप्ट के ऊपर होती है अदरवाइज हम लोग कोशिश करते हैं लेकिन जब तक कहानी नहीं सबको अच्छी लगे तो उसका होना बड़ा मुश्किल हो जाता है बट ज़रूर क्यों नहीं मैं तो खुद चाहूँगा बिकॉज इट बिकम्स इट विल बी सो ब्यूटीफुल ओके इफ नॉट यमला पगला दीवाना देन अपने टाइप ऑफ फिल्म नो वी विल डू दैट आई मीन करेक्शन तो करनी पड़ती है ना लाइफ में मैं देखिए किसी चीज़ के लिए ना नहीं करता एज लॉन्ग एज इट इज़ क्रिएटिवली इंटरेस्टिंग डेफिनेटली आई विल डू इट बट आप लोग देखना चाहोगे मुझे बुरा मैं एकदम गंदा हो गया तो बहुत गंदा हो जाऊंगा देखिए टिप्स तो हम लोग कभी किसी को देते नहीं बट ये अच्छा लगता है बिकॉज हम लोग बोलते हैं कि टिप आई मीन बेसिकली क्या हम लोग ही इज ग्रोन अप विद इन द हाउस विद अस ऑल ऑफ अस सो डेफिनेटली ही इज ग्रोन अप नोइंग व्हाट हैज टू बी डन एंड नॉट टू बी डन एज अ फादर बेसिकली हम अपने बच्चों की पूरी कोशिश करते हैं कि जो भी वो करना चाहें वी आर देयर टू सपोर्ट देम वी आर देयर एज सॉलिड सपोर्ट टू देम एंड बट मेरी हमेशा उनसे गाइडेंस रही है डू वॉट यू वॉन्ट टू डू नॉट वॉट आई वॉन्ट यू टू डू बिकॉज आई डिड वॉट आई वॉन्टेड टू डू एंड दैट्स वे लाइफ शुड बी
Sunny sir, I have a question for you, sir, right here. On a sir, in a tabloid today only on 6 page, something was printed related to your family, sir. And it was highlighted saying that Tanya Deval ordered not to touch family firm's investment. So anything would like to comment on that, sir? No, not really, because like how you also very sad. I'm also sad about hearing such a thing. Thank you. जैसे मैं एक बात कहनी है मैंने आप लोगों को जैसे मैंने आपसे शुरू में किया था प्लीज कैरी ऑन बी माई पार्टनर हेल्प मी टिल द फिफ्थ और उसके बाद पिक्चर जैसी लगेगी फिर जो मर्जी लिखना या आई नो दैट आई लव यू ऑल सवाल तो अच्छा करिए ना क्या सवाल करते रहते हो वही सवाल वो मैं ऐसे फिर बोलता रहता हूँ हाँ मेरी घायल वंस अगेन आ रही है इट्स कमिंग ऑन 5th February और ऑब्वियसली गॉसिप पॉइंट ऑफ व्यू से लोग बोलते हैं आपकी पिक्चर शिफ्ट हो गई तो उसके बारे में भी कुछ कहिए तो मैं उसके बारे में भी कुछ कह देता हूँ मैंने मेरी फिल्म को आई हैव टेकन 2 years इस पर बहुत मेहनत की है पिक्चर पर और मैं नहीं चाह रहा था कि क्योंकि मेरी पिक्चर जब तक मैं खुद उसे खुश ना हूँ तब तक रिलीज़ ना करूँ इसी वजह से मैं इसे 5th February तक लेकर गया हूँ और क्या पूछ सकते हैं आप लोग मुझसे सर फिल्म को लेकर कुछ एक्सपेक्टेशन है हाँ फिल्म को लेकर कुछ एक्सपेक्टेशन कोई एक्सपेक्टेशन तो मुझे पता नहीं क्या है लोगों की लेकिन मैंने अपनी फिल्म बनाई है इसी उम्मीद से कि जैसे मैंने अपनी पहली घायल बनाई थी
मुझे कहानी पसंद आई जिस पर मैंने काम किया और फिर उसे बीइंग अ क्रिएटिव पर्सन तो हम अपनी क्रिएटिविटी को उसमें रखते हुए और अपने एक्सपीरियंस को रखते हुए हम पूरा उस पर लगा रहा हूँ कि आज जो हमारी सोसाइटी में है 2015-2016 में तो वो चीज़ों को मैं बाहर ला पाऊँ. जैसे वो घायल में भी आई रिफ्लेक्टेड द सोसाइटी इन 1990 तो इस वक्त भी मैं 2016 की सोसाइटी को रिफ्लेक्ट कर रहा हूँ. एंड बस यही कह सकता हूँ कि उस वक्त भी मुझे पता नहीं था लोगों को क्या पसंद आएगा नहीं आएगा, लेकिन मैंने अपनी पसंद की तो यहाँ पर भी मैंने वही किया है और तब भी एक रिज़ल्ट बहुत अच्छा आया था. उम्मीद ये है कि इस बार भी रिज़ल्ट अच्छा है. जैसे कि एक यूथ बेस्ड फिल्म है, फिल्म को देख के लग रहा है कि जैसे कि एक यूथ पे एक पूरी फिल्म बेस्ड है, तो यूथ के लिए कुछ मैसेज? जब पूरी फिल्म यूथ के ऊपर है तो डेफिनेटली पूरी फिल्म देखिए हमारी जो सोसाइटी है ये सोसाइटी आगे प्रोग्रेस करती है. जो भी हम लोग करते हैं हम बच्चों के लिए करते हैं, दैट इज़ द यूथ ऑफ आस. और वो यूथ जिसे हम पालते हैं बनाते हैं तो एट अ सर्टेन एज तक वो उसे हम सब अच्छी अच्छी शिक्षा देते हैं, कहते हैं कि ज़िंदगी ऐसी है ये है, तो उस तरह से हम लोग बाहर निकलते हैं. और लोग जब बाहर आते हैं दुनिया के अंदर तो पता चलता है कि जो बताया गया उसमें से कुछ बातें सही थी कुछ थी नहीं, और इस तरह से जीना मेरे लिए भी मुश्किल रहेगा. तो वो अपनी ऑल्ट्रेशन करने लग जाते हैं जिससे हमारी सोसाइटी बदलती रहती है. वी स्टार्ट इवॉल्विंग एंड वी स्टार्ट चेंजिंग एंड अडेप्टिंग टू द डिज़ायर्स ऑफ द यूथ विच इज़ कमिंग आउट एवरी ईयर, राइट? सो डेफिनेटली तो सिनेमा भी वो लोग ही ज़्यादा देखते हैं. सो इट्स बेस्ट टू हैव समथिंग विच इज़ वेरी रेलिवेंट टू देम जिससे वो आइडेंटिफाई कर सकें. और मेरी पूरी कोशिश रही है कि मैं अपनी फिल्म में आई ब्रिंग अक्रॉस थिंग्स जहाँ पर आपके पेरेंट्स हों, आप खुद हों, आपके बाकी भी रिश्तेदार हों, तो जब वो देखें तो उन्हें उसमें से कोई ना तो कोई कैरेक्टर में से उन्हें अपनापन दिखना चाहिए, उन्हें लगना चाहिए कि हाँ वाकई में हम कुछ इस तरह के हैं. देखिए उस वक्त जब मेरी फिल्म थी उस वक्त प्रमोशन के तरीके ये नहीं थे. अक्सर फिल्म हम लोग सिर्फ एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करते थे, पिक्चर दिखाते थे, उसके बाद फिर वी शुड सिट डाउन एंड टॉक विद द मीडिया. अब पिक्चर दिखाएं या ना दिखाएं उसके पहले ही हम शुरू हो जाते हैं. तो ऑब्वियसली हमारी जो रिक्वायरमेंट्स हैं आज की दुनिया में, आज की सोसाइटी में, दिस इज़ नॉर्मल थिंग नाउ. एंड नहीं तो लोगों को पता नहीं चलता कि इस नाम की कोई फिल्म आ रही है, तो वो सिर्फ उन्हें बताना, लेकिन उनका मैं ये इंटरव्यू देखे उनसे वो मेरे इंटरव्यू से वो पिक्चर देखने नहीं जाएंगे. उन्हें जब मुझे ट्रेलर पसंद आया हो या उन्हें लगता है कि सनी देओल की जो फिल्में हैं ये शायद कुछ अच्छा लाएगा तो हम देखने जाएं, तो कोई उनकी अपनी एक वजह बनती है. हम सिर्फ ये बताना चाह रहे हैं कि भाई हमारी फिल्म आ रही है. नहीं, ऐसा कुछ नहीं है. दैट्स नथिंग एज अ फेवरेट बिकॉज पूरी फिल्म मेरी एक सब्जेक्ट है जिसे मैं प्रेजेंट कर रहा हूँ, जो सोसाइटी को लेकर रहा हूँ. तो ऐसा कुछ एक नहीं कह सकता, बट डेफिनेटली सब कैरेक्टर्स बहुत ही आज की सोसाइटी में रेलेवेंट हैं. आप उन्हें पहचान पाएंगे, आप खुद को उसके अंदर पाएंगे किसी ना तो किसी कैरेक्टर को. ओके.
every Punjabi on the globe, and it's the first unisex cricket where boys and girls are going to play equal. Thank you.
क्या कितना देखिए ये एक BCL पंजाब जो शुरू किया है एक यूनिसेक्स क्रिकेट है या इट्स अ यूनिसेक्स क्रिकेट और पंजाबी क्रिकेट है तो पाजी इज द बिगेस्ट पंजाबी आइकन तो सो मेरी फिल्म भी लग रही है तो मैंने कहा क्यों नहीं इनका भी बिगनिंग हो रहा है और मेरा भी एक तरह से बिगनिंग ही हो रहा है मैं वापस आ रहा हूँ सो इट इज़ वंस अगेन घायल वंस अगेन ये रीज़न था मैं अभी आप लोग देख ही रहे हैं मैं चारों तरफ घूम रहा हूँ अभी कोई कह नहीं सकता कि मैंने प्रमोशन नहीं की अपनी फिल्म के लिए कितने टाइम बाद क्रिकेट टाइम बहुत 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 वक्त हो गया कई साल हो गए स्कूल में था उसके बाद कभी कभार यहाँ वहाँ कभी खेली होगी बट नॉट मच मैं था क्या बोलते हैं एक प्लेयर जो बैट पकड़ लेता था बॉल आती थी फिर मारू में से मारना है मिस हो जाती थी आउट नहीं तो फिर मैं मारता था और बॉलिंग भी वैसे ही करता था खड़के जोर से मारता था यहाँ तो विकेट पे जाती थी यहाँ बाहर जाती थी बैट्समैन के पास जाती थी यहाँ आउट जाती थी जी सनी जी आई एम रियली ओब्लाइज कि पहले तो भाजी ने इतना टाइम निकाला और ही इज़ द बिगेस्ट पंजाबी आइकन और ये पंजाबी ग्लोबल लीग है जिसमें पंजाब का पूरा यूथ कनेक्ट होने वाला है तो जब मैंने घायल के ट्रेलर्स देखे तो मेरे को लगा कि ये बहुत स्ट्रॉन्ग यूथ कनेक्ट है एंड इट्स एग्जैक्टली वॉट वी आर डूइंग इट एक यूनिसेक्स क्रिकेट है एक यूथ सब इकट्ठे होंगे एक प्लेटफॉर्म पे एंड हैविंग अ पंजाबी गॉड विद अस इट्स माय प्रिविलेज आई एम रियली रियली ऑब्लाइज आई थिंक ही इज गोइंग लिटिल ओवरबोर्ड हां बस यही कहना चाहूंगा कि ये है का खेल है सारे एंटरटेन करने लिए नाले आप एंटरटेन होने लिए और जब खेल खेल होंगे उस वेले तो फिर बंदा भूल जाता कि मैं खेल कि मैं एक्टिंग कर रहा हूँ उस वेले बंदा फिर वाकई बड़ा औखा हो जाता है लड़ता है रोंदा है पिटता है तो मज़ा उधर ही आता खेल जब ये सारी चीज़ा ना हो गेम के बिच तो गेम का मज़ा ही नहीं है देखिए बॉबी ये काफ़ी सालों से कर रहा है एंड ही इन्जॉयज इट और वो काफ़ी ट्रेनिंग करता है एंड इज़ वेरी गुड सो हम लोग अक्सर कभी वर्कआउट कर रहे होते हैं तो हम लोग या बैडमिंटन या स्क्वाश खेल रहे होते हैं तो उस वक्त क्रिकेट की बात तो नहीं कर रहे होते लेकिन डेफिनेटली ये सब चीज़ें मैं एक तरह से एक स्पोर्ट्समैन हूँ मैं हर चीज़ खेलना चाहता हूँ और क्या बोल सकता हूँ मैं यही कह सकता हूँ कि BCL पंजाबी ये पंजाबी लीग है और जिस तरह से इन लोगों ने इन सब ने एक इसके बारे में जिस तरह से इसे ऑर्गेनाइज़ किया है वाकई में ही एक तरीका है जो हम लोग इतना कभी सोच भी नहीं सकते कि हम रबर बॉल के साथ लीग शुरू करेंगे नहीं लड़ना झगड़ा तो खेलते खेलते हो जाता है ना कभी जब बैडमिंटन खेल तो शटल बाहर चली गई आउट एन एन आउट नो आउट आउट एन और फिर गुस्से में कोई छोड़ के चला जाता है फिर वापस आता है तो दैट्स व्हाट स्पोर्ट्स इज ऑल अबाउट एंड दैट्स व्हाई आई लव स्पोर्ट्स मैं क्यों करूँ ऐसी ऐसी आप तो आप लोग बगैर पिटाई के कुछ और नहीं सोचते क्या क्यों नहीं सपोर्ट करूंगा ये आप लोग बदलते रहते हो मैं नहीं बदलता वो मैं एक फिल्म बना रहा था उसके बाद जब से मैंने 2-3 साल हो गए जब से मैं कह रहा हूँ ये वंस अगेन है पर फिर भी आप लोग क्या आप लोगों को मज़ा नहीं आता जब तक कॉन्ट्रोवर्सीज ना हो बोरिंग हो जाती है बात आप जब जाके सिनेमा में देखोगे तभी मज़ा आएगा ना नहीं तो फिर ऐसे कैसे मज़ा आएगा मैं आपको कहानी बता दूंगा फिर आप मेरी पिक्चर ही नहीं देखोगे तो फिर आप मेरे पूरे पैसे मुझे दे दीजिए मैं आपको पूरी कहानी सुना दूंगा।